आज टॉपिक थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक है। हाँ, मैंने स्मार्ट बोर्ड खरीदा हुआ है। वैसे अभी सब लोग सुनो, पहले तो आज का टॉपिक जो है, आज के टॉपिक में ज्यादा अपने को टाइम नहीं लगने वाला। मुझे पता है गणपति विसर्जन है, तो आप मतलब कोई बहुत सारे लोग के घर पे गणपति वगैरह है, तो मैं जितना भी जल्दी हो सकता है उतना खत्म कर दूंगा। ये कैसे कि रोटेशन मोशन तक अपना हो चुका है, तो इतना इतना सब कुछ फिजिक्स हो चुका है। तो ये जो वीक है आपका, थोड़ा सा चिल वाला वीक से चिल का इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसके इस वीक के अंदर आपको रोटेशन मोशन वापस पढ़ना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, तो रोटेशन मोशन बहुत अच्छे से पढ़ो वापस वापस, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। आज जो मैं कुछ 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 एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है, और इस वीक का जो लेक्चर है वो वेनेसडे को नहीं रहेगा, मतलब वेनेसडे इवनिंग को लेक्चर नहीं रहेगा। तो मैं आपको लेक्चर कब होगा वो आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यस, बिल्कुल बिल्कुल, रोटेशन पे ग्रिप लाना बाकी है, तो है अपने पास। और एक वीक आपको मिल रहा है रोटेशन के ऊपर ग्रिप लाने के लिए। मेरे वीडियोस बार बार देखो, मैंने अभी जो अपलोड किया हुआ है उसको भी वापस बार बार देखो, ठीक है? तो वेनसडे को नहीं, वेनसडे को अभी कोई क्लास नहीं होगा, मतलब अभी मोस्ट प्रॉब्ली मैं बताऊंगा कब टॉपिक होगा, जिस क्लास में मैं SHM में रोटेशन के क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, जो मैंने बोला था ना, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। तो मैं 1 घंटा SHM कराऊंगा और 1.5-2 घंटा अपना रोटेशन मोशन कराऊंगा, अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है? तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। मैंने एक जो एक्सरसाइज भेजा हुआ है आपको रोटेशन मोशन का, उसका सोल्यूशन भी भेजता हूं मैं, ठीक है? परमेश्वर, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। चलो, लेट्स स्टार्ट विद SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को मतलब अलग अलग टर्म्स बोलते थे, हम लोग को पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले एक पहले काम करते, पहले क्या होता है, पहला सबसे पहला वर्ड आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता था कि एक पार्टिकल एक जगह से निकला, घूम के उस टाइम के बाद उसी उसी टाइम उसी पॉइंट से वापस गया। तो हर बार रिपीटेटिव, उस टाइम के बाद हर एक टाइम के बाद सपोज होते जा रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन सबसे ऊपर आता है, उसका सबसेट होता है, उसका सबसेट होता है ऑसिलेशन। नाउ व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन है टू एंड फ्रो मोशन। क्या होता है, कुछ चीज आगे जाती है पीछे आती है, आगे जाती है पीछे आती है, उसको बोलते हैं टू टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद इवन टू एंड फ्रो मोशन मतलब आप जो टू एंड फ्रो में आपके ना दो चीज दिमाग में आती है, एक होता है स्प्रिंग और दूसरा क्या होता है, पेंडुलम, ठीक है? तो ये थोड़ा सा टू एंड फ्रो मोशन टाइप का चीज है। अब उसमें क्या होता है ना, जो ऑसिलेशन, अब ध्यान में रखना एक चीज, जैसे हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, हम अलग अलग वर्ड्स अपन ने डिस्कस किए हुए, तो आपको सबको पता ही होगा तीन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या होता है आपको सबको ही पता है, ठीक है? अब मीन पोजीशन ऐसी पोजीशन है कि जहां पे मेरा नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जहां पे जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है? और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसके अबाउट बॉडी क्या करती है, बॉडी ऑसिलेट करती है। जब बॉडी ऑसिलेट करेगी, लेट्स से बॉडी जा रही है इधर और इधर, तो ये जो होता है, देखो ये होती है, ये दोनों, ये जो दो पोजीशंस यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है? ये होता है मेरा एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक हो गई मीन पोजीशन, दूसरी हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है? अब इसके बाद मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सबको ही पता है एम्पलीट्यूड, ठीक है? तो ये होता है एम्पलीट्यूड। अब क्या होता है ना, जब बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाती रहती है, राइट? तो क्या करने का, लेट्स से बॉडी इधर से निकली, इनिशियली यहां से निकली, बॉडी आगे गई और वापस इधर आई, जो टोटल टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, टोटल टाइम टेकन। उसके बाद सेकंड टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, सबको पता है। फिर उसके बाद एक टर्म और आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज 2πf। तो ये सारे टर्म जो होते हैं वो अपने काम में आते हैं कहां पे, SHM में, मतलब ऑसिलेशन में। अब यहां पे जब बॉडी जो है, ये बॉडी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा रही है, तो आपको पता है ये आगे पीछे क्यों जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर मतलब मैं कहीं पे भी बॉडी को ड्रॉ करूं, लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कोई भी एक इंस्टेंट पे एक बॉडी को मैंने ड्रॉ किया, मास एम की बॉडी है, तो आपको पता है इसके ऊपर जब आप FBD निकालोगे तो यहाँ पे एक नेट एक फोर्स आएगा, विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। देखो बॉडी ऑसिलेट कब करेगी, देर शुड बी सम फोर्स विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, रिस्टोरिंग फोर्स। देखो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बोले थे, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है? रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। अब लेट्स से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे एक्स है, तो आपको पता है एक्स ऐसे होता है, तो एक्स ऐसे होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट होता है। तो मतलब वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए, तो वेक्टर के फॉर्म में F वेक्टर इज इक्वल टू
समथिंग सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक मिनट, अब मैं यहां पे बात बताऊं, ठीक है। अब यहां पे मतलब मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं अभी, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि एक्स वेक्टर ऐसा है, फोर्स वेक्टर ऐसा है, तो माइनस साइन को भूल जाओ अभी। तो मैंने अभी लिखा फोर्स वेक्टर, अब माइनस साइन में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सपोज मैंने बोला इट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने के लिख दिया, एक्स टू द पावर एन होगा, ठीक है। तो इस केस में ये रिस्टोरिंग फोर्स कब कब बनेगा वो बताओ मुझे। मतलब सपोज मैंने मैंने मतलब एक सिंपल सी बात, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, अब इसका सपोज ये करना है तो एफ इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, के एक्स टू द पावर एन लिख दिया। तो सिंपल सी बात है, मुझे माइनस साइन सपोज लाना है, माइनस साइन सपोज लाना है, तो आपने देखा होगा ऑड वैल्यूज, सारे वैल्यूज क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ऑड वैल्यूज के लिए ही वो बेसिकली एफ एन एक्स क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, बिल्कुल। अब यहां पे n की वैल्यू, जिस वक्त n की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है, और मैं वेक्टर टर्म में लिखूं तो f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के x वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान में रखना, जब ऐसा फोर्स इस नेचर का होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SHM। नहीं तो जनरली x n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू जब ऑड होती है तो ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन तो होगा लेकिन वो ऑसिलेशन SHM नहीं होगा। SHM कब होगा, जब फोर्स इस नेचर का हो, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया भाई, ये जस्ट रिवीजन है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें F is equal to ma डाल देता हूं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन डाल दिया, तो मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ गया, माइनस के बाय एम इनटू एक्स वेक्टर। मतलब मेरा एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या हो गया, इट इज व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये बाद में मैं डिराइव कराऊंगा, मतलब लेक्चर के एंड में डिराइव करूंगा मैं, कि मतलब डिराइव मतलब आपको पता ही है। इस चीज को हम लोग हमेशा लिखते हैं, मैं अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब से मैं मैग्नीट्यूड लिखते जाऊंगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। सपोज मैंने ऐसा लिखा तो आपको पता है ना कि ओमेगा की वैल्यू क्या है। अब मैग्नीट्यूड ना नहीं लिखूं मैं तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर, ऐसा लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के बाय एम। तो ये जो ओमेगा होता है वही एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है जो सबको पता है, इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होता है, के बाय एम होता है। अब आपको पता है ओमेगा एक बार मिल गया, ओमेगा को मतलब यहाँ पे ये 2 पाई एफ को अपन 2 पाई बाई टी भी बोलते हैं, तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी डाल दो तो टी मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको पता है, थोड़ा सा फटाफट रिवाइज हो गया, थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं मैं स्टार्टिंग में क्योंकि ये रिवीजन के लिए, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक मिनट रुको मैं कुछ कुछ बताता हूँ, फिर उसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये मैंने बताया, अब सब कुछ भूल जाओ ऊपर वाला, सिर्फ क्या याद रखने का कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। देखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई बाई टी वगैरह सब कुछ याद रखना ही है तुमको। अब एक चीज याद रखने की, जो बॉडी SHM करती है तो जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, SHM का काइनेमेटिक्स अलग होता है, SHM का डायनामिक्स अलग होता है। तो SHM के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, पहला टाइप का क्वेश्चन होता है टाइम पीरियड ढूंढना, ठीक है। अब टाइम पीरियड ढूंढने वाला क्वेश्चन एक होता है, अब टाइम पीरियड ढूंढने वाला क्वेश्चन देखो क्या होता है, मतलब कर सपोज SHM का टाइम पीरियड ढूंढना है तो क्या करेंगे। सिर्फ एक गाइस मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉफी आया, कॉफी ठंडा हो जाएगा। तो एक खुद से पहले ना ट्राई मारो इस क्वेश्चन को, और फिर क्या करते हैं अपन, मतलब मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूं। मतलब पहले खुद से एक बार ट्राई मारो, मुझे सिर्फ आपको ये कि कितना आपको याद है वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ये स्प्रिंग दिए हुए हैं, ठीक है, मुझे यहां पे बोला है, यहां पे बोला है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा याद करके देखो कि क्या मतलब आता है आपका आंसर, देखो जरा, एक तीन से चार मिनट लो। चैट पे आंसर लिखो,
ठीक है गाइज, ठीक है ये ब्रेक मेरा था या आपका नहीं था, चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते बाद में, ठीक है पहले फटाफट यहाँ पे सब लोग देख लो, ये मेरा टाइम पीरियड का क्वेश्चन था, लेकिन टाइम पीरियड को कैसे फाइंड आउट करना है मैं इस क्वेश्चन को जाने के पहले, सुनो फटाफट इस क्वेश्चन को जाने के पहले मैं आपको ना अलग 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 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहली बात देखो, पहले कुछ रूल मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ, स्टेप्स कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स, ये स्टेप्स जो है ना ये हर एक क्वेश्चन के लिए लगने वाले अपने को, ठीक है। स्टेप क्या होता है देखो, यहाँ पे मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूँ पहले सुनो, स्टेप्स होते हैं पहला फाइंड मीन पोजिशन, ठीक है फाइंड मीन पोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मीन पोजिशन मतलब डायरेक्टली दिया रहेगा मतलब उसी के, तो कभी कभी ये फाइंड मीन पोजिशन मतलब मीन पोजिशन निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये मीन पोजिशन फाइंड आउट करने के बाद ये सबसे पहला स्टेप है, उसके बाद सेकंड स्टेप हो जाएगा कि डिस्प्लेस द बॉडी डिस्प्लेस बाय एक्स, ठीक है या थीटा, डिस्प्लेस बाय एक्स और थीटा, कभी कभी एक एक्स से और थीटा एंगल से भी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन का भी काम आने वाला है, एक्स और थीटा, उसके बाद एंड राइट एंड ड्रॉ एफबीडी, ठीक है एंड ड्रॉ एफबीडी, ठीक है जिस जगह मीन पोजीशन है वहां पे एक्सिस होनी चाहिए, मतलब ये डिपेंड करता है कि क्या होता है। फिर उसके बाद थर्ड कंपेयर एक बार एफबीडी ड्रॉ एफबीडी एंड इक्वेशंस एंड राइट इक्वेशंस एंड राइट इक्वेशंस, इक्वेशंस भी लिखना ही है एफबीडी के बाद, इक्वेशन तो लिखना ही है। उसके बाद थर्ड क्या होता है, थर्ड उसी चीज को कंपेयर करना है, नाउ कंपेयर, ठीक है विद क्या, ये दो चीजें होती है, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, आइदर कंपेयर विद दिस इक्वेशन और कंपेयर विद दिस इक्वेशन, ठीक है इधर कंपेयर विद इक्वेशन नंबर वन, आप सपोज नॉर्मल तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कंपेयर विद दिस इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी बात है, ड्रॉ एफबीडी में यहाँ पे आपको डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा या टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला था टॉर्क इक्वेशन कहाँ कहाँ पे वैलिड है, तीन जगह पे, सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंट एक्स ऑफ रोटेशन, तो ये इक्वेशन इसके लिए लगेगा। जनरली इसके ऊपर के जो अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं वो जी एडवांस में आ जाते हैं, ठीक है, और नॉर्मली जो एफ इज इक्वल टू एम ए वगैरह के क्वेश्चन अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना गाइस, ये जो चीज है इतने हिस्से ही पूरा का पूरा एसएचएम अपना कंप्लीट होता है। अब मैं ना एक अराउंड 10 एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ, मतलब इसी चीज को, मतलब आपको ये चीज ने दिमाग में डाल दिया, आपको चाहिए तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके रखो, चाहिए तो एक मिनट नहीं पूरा का पूरा नहीं बैठेगा, छोड़ो दो स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये वाला ले लो आपके मतलब फास्ट काम करने के लिए, और जो भी मैं 10 क्वेश्चन अभी कराऊंगा ना आपका पूरा का पूरा एसएचएम का टाइम पीरियड वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट एक ये वाला, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अपन एग्जाम्पल करते जाते हैं। अब सबसे पहले एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल करते जाता हूं, आप लोग सब सुनते जाओ, ठीक है। अब फटाफट सुनना अपने को। अब मैंने एक स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग के अंदर मास लगाया, मास एम था, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के था, राइट। अब पहले तो क्या करना है, मीन पोजीशन ढूंढना है, मैंने मीन पोजीशन ढूंढ दिया, ये होता है मेरा मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन ढूंढने के बाद, ठीक है मीन पोजीशन ढूंढने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को एक्स से डिस्प्लेस करेंगे, एक्स से डिस्प्लेस करने के बाद लेट्स से ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ब्लॉक सपोज मेरा यहाँ पे आने का, ठीक है मैं क्या करूंगा, पहले मैं मीन पोजीशन फाइंड आउट करूंगा, कर लिया, ठीक है ये होती है मेरी मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन मतलब क्या हो गई, ये खुद मीन पोजीशन जहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, यही मीन पोजीशन होगी, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पे नेट फोर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्स से डिस्प्लेस किया, कुछ इस तरीके से एक्स से मैंने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस बाय एक्स और थीटा, जो इसमें एक्स ही है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ एफबीडी एंड राइट इक्वेशन, ड्रॉ एफबीडी मतलब क्या, इसके ऊपर जो भी फोर्स है मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आपको पता है ना ग्रेविटी फोर्स नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, देखो एमजी नीचे होता है, नॉर्मल फोर्स ऊपर होता है, ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि एन इज इक्वल टू एमजी है, कुछ फायदा नहीं है। अब यहाँ पे एक फोर्स है, देखो यहाँ पे एक फोर्स है के एक्स, क्योंकि स्प्रिंग इसको क्या करेगा, खींचेगा। अब देखो यहाँ पे फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स आ गया, ड्रॉ एफ बीडी राइट इक्वेशन, इक्वेशन के लिए अपन क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन बाजू में लिखते थे, राइट। फिर अपन ने डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू एम ए कर लिया, एफ इज इक्वल टू एम ए करेंगे तो के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखता हूं मैं, के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, K by m into x आ जाएगा। अब इसको डायरेक्टली, इसको कंपेयर किसके साथ करना है, इसके साथ करना है,
तो मुझे बताओ जो ओमेगा ये जो नीचे टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आई रूट ऑफ के बाय एम, तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए, तो यहाँ पे टू पाई बाई टी कर लिया, तो टी की वैल्यू आई टू पाई रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्टली टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है जो मतलब नीट वगैरह में काम आ जाता है, ठीक है। फिर उस इस फॉर्मूला को बाद में मैं यहाँ पे पता है ना आपको के इक्विवेलेंट लिखने वाला हूँ, आपको मैं अभी पता ही चल जाएगा, तो यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ, सेकंड एग्जांपल में सपोज मैंने यहाँ पे दो स्प्रिंग लगा दिए ऐसे, अब ये दो स्प्रिंग मैंने ऐसे लगा दिए, ठीक है, अब ये दो स्प्रिंग मैंने ऐसे लगा दिए, इसका मास एम है, ये के वन है, ये के टू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लिया, पहले मैंने मीन पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से इसको एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, एक्स से डिस्प्लेस करने के बाद जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर दो फोर्सेस आएंगे, कौन से, ऊपर भी आएगा k1x, नीचे आएगा यहाँ पे k2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इक्वेशन में लिखूंगा तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, k1 plus k2 into x is equal to mass into acceleration, यहाँ पे आप देखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी k1 plus k2 divide by m into x। अब यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि ये k1 plus k2 को हम लोग लिख सकते हैं k equivalent, तो आपको ध्यान में रखना जब स्प्रिंग्स पैरेलल होते हैं तो डायरेक्टली स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, एड होते हैं, उल्टा है, रेजिस्टेंस में उल्टा होता है, तो ये रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, ठीक है। अब तो मैंने आपको इंडक्टर भी पढ़ाया है, तो इंडक्टर भी ऐसे ही होता है, तो आपको पता ही है मतलब, तो ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं अभी। तो ये हो जाएगा मेरा के इक्विवेलेंट, राइट, तो के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जब इक्वेशन में लिखूंगा, टाइम पीरियड जब मैं लिखूंगा, ठीक है, सॉरी ये राइट राइट, ये कैपेसिटर की तरह होता है, इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह होता है, ये सब कुछ आपको पता है। अब टू पाई रूट ऑफ क्या होता है, टू पाई रूट ऑफ क्या होता है, एम डिवाइड बाय K1 plus K2, क्योंकि K equivalent, तो ध्यान में रखना इसके जगह में K equivalent लिखूंगा, तो मेरा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। टाइम पीरियड कभी भी स्प्रिंग सिस्टम दिखाई दे तो टाइम पीरियड पूछा तो 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के equivalent, ऐसा करने का सिंपल। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिमाग में आ गया, आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। अब इसी के साथ में और एक होता है, इसी के साथ में और एक चीज होती है, आपको पता है सपोज मैंने स्प्रिंग को ऐसे रखा है, ये K1 है और यहाँ पे K2 है, देखो यहाँ पे ये मैंने कैसे रखा है, यहाँ पे ये मैंने रखा K1, ये रखा मैंने K2। अब इस चक्कर में भी इधर भी क्या होगा, इधर भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी सेम ही है, ये भी पैरेलल ही है, ये पैरेलल था ना तो ये भी पैरेलल है, क्यों पता है, क्योंकि आप यहां से x से डिस्प्लेस कर लो, इसको यहाँ पे x से डिस्प्लेस कर लो, आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे इसको x से डिस्प्लेस करते ये स्प्रिंग इसको यहाँ पे पुश करेगा k2x से, ये स्प्रिंग यहाँ पे इसको खींचेगा तो यहाँ पे आएगा k1x, देखो ना यहाँ पे सेम हो गया ना, देखो तो स्प्रिंग मास के आजू बाजू में है तो वो पैरेलल ही होते हैं, पता है इसका आंसर भी सेम आएगा, सेम आएगा, तो ध्यान में रखना, मतलब कभी किसी ने ऐसा आपको दे दिया, कभी ऐसा आपको दे दिया, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसा एक स्प्रिंग है, ऐसा एक स्प्रिंग है, ठीक है, और फिर मैंने बोला कि एक ऐसा स्प्रिंग है, ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है, ये मास है, ये के टू के थ्री के फोर के, अब मैंने सपोज ऐसा बोला और बोला व्हाट इज टाइम पीरियड, तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, ये सब कुछ पैरेलल है, कोई सीरीज में नहीं है, तो सबका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करते रहना पड़ेगा, के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस फोर के, तो मेरा टाइम पीरियड डायरेक्टली क्या आ जाएगा, टू पाई रूट ऑफ एम बाई के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, ये सबको ऐड करो 10k, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फोर्थ, कोई दिक्कत है क्या, तो ये तो एकदम सिंपल वाला चीज है, ये सारी चीजें नीट में पूछी जाती है गाइस। अब इसके बाद ये जो होता है पैरेलल होता है, अब पैरेलल के बाद आता है सीरीज, ठीक है, नाउ व्हाट इज इन सीरीज, अब सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सीरीज में अपन एक मेथड बनाएंगे गाइस, पहले सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ नीट वालों के लिए, ठीक है, ये नीट वालों के लिए फॉर्मूला है, ये के वन है, ये के टू है, जैसे ये के थ्री है जो भी है, और ये मास एम रहेगा, और मैंने बोला आप इसका मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, आपको पता है इसका जो k इक्विवेलेंट है आप कैसे लिखोगे, बताए 1 बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 प्लस 1 बाय k3, ये हो जाएगा मेरा k इक्विवेलेंट, इससे आप जो कैलकुलेट करोगे वो, और मैंने बोला टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट, ये मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, ठीक है। अब इसका एक सिंपल चीज है, इसका जो डेरिवेशन है, इसके डेरिवेशन के भी मैं स्टेप बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद मतलब इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन थोड़े से जेई मेन एंड जेई एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, नीट वालों लेकिन सुन लो, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज है, ये भी आपको याद रखना है। अब मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था यहाँ पे, मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, ये 2K 4K, तो इसका K इक्विवेलेंट हो गया 6K, ऐड करोगे। अब ये 6K और ये 4K, ये दोनों क्या हो गए,
ये दोनों क्या हो गए, ये सीरीज में है, तो यहाँ पे इसका जो 1 बाई के इक्विवेलेंट बनेगा गाइस, इसका जो 1 बाई के इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बाई 6 के प्लस 1 बाई 4 के लेस इज इक्वल टू 1 बाई के डैश, सम के डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो के डैश की वैल्यू आई वो कितने है? यहाँ पे कितने के डैश की वैल्यू इसमें, 4 थ्री जा 6 टू जा, तो 3 प्लस 2 मतलब 12 बाई 5, राइट, 12 बाई 5 के, कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो के डैश बना और ये दोनों अभी एक बाजू आजू बाजू में है, तो ये तीनों क्या आ जाएंगे, ऐड कर जाएंगे, ये तीनों तीनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2k प्लस 3k, 5k प्लस k डैश, तो मेरा जो k इक्विवेलेंट बना ये क्या हो जाएगा, सीरीज एंड पैरेलल, तो 12 बाई 5 प्लस 5, तो 25 प्लस 12 कितना हुआ, 25 प्लस 12 कितना हुआ, 37, तो यहाँ पे आंसर आएगा 37 बाई 5, तो मेरा जो k इक्विवेलेंट है वो 37 बाई 5 के आ गया, ध्यान में रखना, ठीक है। तो मेरा जो टाइम पीरियड इसमें आएगा वो आएगा 2 बाई रूट ऑफ m बाई k इक्विवेलेंट इज 37 k बाई 5 m, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो गाइज ये मेरा जो भी आंसर होगा वहां पे आप टिक करोगे, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं गाइज वो नीट में बनते हैं, ठीक है, नीट में या कभी कभी जेई मेन के लोअर लेवल पे, ठीक है, मतलब इजी वाले लेवल पे। तो अब यहां पे देखो, यहां पे मेरा ये हो गया, अब हम लोग करते हैं, अब यहां पे एक स्टेप्स चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको जरा फील आएगा एसएचएम में, क्योंकि एसएचएम ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही भाई है, ठीक है। यहां पे लिख दो, यहां पे ये हो गया सबका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अभी करेंगे, अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये थोड़ा सा लेवल जो है ऊपर है, ठीक है, मतलब मैं इसी में ही थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ाता हूँ, एक मिनट, ऊपर लेवल का पढ़ाने के पहले थोड़ा सा नीट लेवल का खत्म ही कर देता हूं मैं। कोई भी स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग, कोई भी स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट के है, आपको पता है स्प्रिंग को अपन ने कट किया, मैंने सपोज यहां पे इसको स्प्रिंग को कट किया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब आपको पता है मैंने इसको एग्जैक्टली हाफ में कट किया, तो आपको पता है ये के होगा, तो लेंथ बाई टू हो गया ना, तो मतलब लेंथ सपोज हाफ हो गई, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे तो यहाँ पे जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा, 2k, इधर का भी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या बनेगा, 2k, सिंपल सी बात है, मतलब मैंने इस स्प्रिंग को ऐसे कट किया तो दो स्प्रिंग्स बन गए ऐसे छोटे छोटे, और मुझे पता है इन दो स्प्रिंग को मैंने वापस जोड़ दिया तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। आप मुझे बताना, स्प्रिंग को मैं वापस जोड़ता हूँ, लेट्स से मैंने इसको वापस ऐसे जोड़ देता हूँ इससे, तो ये 2k था और ये 2k था, तो मुझे होता है k इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाय k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय 2k प्लस 1 बाय k, 1 बाय 2k, तो इसके आंसर क्या हो जाएगी, 1 बाय k हो जाएगी, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, k आ गई, सिंपल सी बात है, मतलब यही तो अपना प्रूव कर लेते हैं। अब जो भी रेशियो में आप कट करोगे उसी रेशियो के उल्टा उसको ऐड करना है, सिंपल सी बात है। तो ये जो था ये तो एकदम मतलब ये सिंपल सी चीज आपने पढ़ी होगी, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब नीट जैसे एग्जाम्स में या इवन जेई मेंस के लोअर लेवल पे कैसे एग्जाम होता है, देखो यहाँ पे एक जैसे एग्जाम्पल आता है कि मैंने एक स्प्रिंग दे दिया, ठीक है, अब एक स्प्रिंग है, उसको इस स्प्रिंग को मैंने एक ऐसे काटा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ये दो पार्ट ऐसे कर दिए, मतलब ये मैंने क्या कर लिया, 1:1:2 पार्ट में इसको काटा मैंने, ठीक है, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टोटल है के, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टोटल के है, तो मुझे पता इसमें हुआ क्या, इसके टोटल पार्ट कितने हुए, इसके टोटल पार्ट कितने हुए, तो जो तीन स्प्रिंग में यहां पे लिखूंगा, ये एक स्प्रिंग हो गई, ये एक स्प्रिंग हो गई और ये एक स्प्रिंग हो गई, तो आपको पता है इसका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तीन पार्ट में काटा है, पता है आपको, इसका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है वो 2k हो जाएगा, और आपको पता है ये जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो कितना हो जाएगा, 4k, क्यों ऐसे होगा मुझे बताओ, देखो ये क्यों मैंने लिखा है, तो आप एकदम सिंपल सा बात कर सकते हो, ये लेंथ है ना एल, तो मुझे पता है लेंथ एल है, तो ये लेंथ कितनी हो गई एल बाई टू, और ये लेंथ कितनी हुई एल बाई फोर एंड एल बाई फोर, तो भाई लेंथ बाई फोर हो गई, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटू फोर हो गया,
तो इसलिए स्प्रिंग कॉशन यहाँ पे स्प्रिंग कॉशन क्या बन गया 4K, ये भी 4 टाइम्स बना और ये 2 टाइम्स बना, कोई दिक्कत है? तो लेंथ कर्व जो है ना उल्टा कर लेगा यार, मतलब लेंथ क्योंकि स्प्रिंग कॉशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, फिर ये जो तीन काटे हुए उसको फिर सीरीज पैरेलल में लगा सकते हैं अपन, मतलब एक मास ले लिया उसको सीरीज पैरेलल में लगा दिया, तो बताओ क्या होगा, तो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? और एक चीज मुझे बतानी है आगे जाने के पहले, ये वाला पार्ट, ठीक है? राइट मिलोरी, अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या किया, अब सुनो, सेम मास मैंने, अब कैसे मैं करता था हॉरिजॉन्टल में, अब सेम मास ना मैंने ऐसे रखा, सेम मास जो है ये सेम मास मैंने कुछ इस तरीके से रखा, तो ये सपोज इसका, अब यहां पे इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के और इसका मास है m, तो सेम मास ने मैंने कुछ इस तरीके से रखा। अब यहां पे एक पंगा है, यहां पे क्या होता है देखो ना, इस ये जो सारे डायग्राम में ग्रेविटी का कुछ काम ही नहीं आता था, क्योंकि ग्रेविटी नीचे आती थी और उसको अपोज करने के लिए नॉर्मल फोर्स होता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां पर कौन सा फोर्स आ गया, ग्रेविटी फोर्स आ गया। अब मुझे बताओ यहां पे मेरा पहला स्टेप क्या था, फाइंड मीन पोजीशन, यहां पे मीन पोजीशन ये नहीं है, मीन पोजीशन कहां पे होगी, थोड़ी सी नीचे होगी, ध्यान में रखना यहां पे नेचुरल लेंथ में मीन पोजीशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये, तो मैं क्या करूंगा पहले इसको थोड़ा सा लेके आऊंगा और मैं यहां पे ऐसा धीरे हाथ से रखा, तो मेरे को पता है मीन पोजीशन यहां पे कहीं तो होगी, यहां पे पहले मीन पोजीशन ड्रॉ करता हूं, लेट्स से मीन पोजीशन में कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच गई, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते हैं, स्प्रिंग थोड़ी सी खिंची हुई है देखो यहां पे, और ये जो चीज है ये हो गई एक्स नॉट, ठीक है? अब इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा, तो एफबीडी में क्या आएगा, एमजी एन के एक्स नॉट, दोनों क्या हो जाएंगे। अब ये जो मैंने यहां पे लिखा, ध्यान में रखना यहां पे भी मीन पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है, और कितनी हो गई, तो एमजी इज इक्वल टू क्या करेंगे, के एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एमजी डिवाइड बाय क्या हो जाएगी, के, तो ये मेरी मीन पोजीशन। अब मैंने क्या पहला, मेरा फर्स्ट स्टेप इज फाइंड मीन पोजीशन एंड देन you have to displace that block m by x distance. So, मैंने अभी इसको x distance से नीचे किया. अब जैसे मैंने इसको x distance से नीचे किया, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं x distance से और नीचे खींच लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ये कलर से करता हूँ, ठीक है, x से मैंने इसको और नीचे खींचा, ठीक है। अब नीचे खींचने के बाद यहाँ पे अपने को सारा पूरा का पूरा नेट फोर्स मुझे ड्रॉ करना है। अब नेट फोर्स में कौन सा फोर्स आएगा, एक अपवर्ड फोर्स आएगा, कौन सा आएगा, अपवर्ड फोर्स आएगा, फोर्स आएगा ये ऊपर वाला, वो आएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, क्योंकि वो तो फोर्स था ही ऊपर और एमजी नीचे था। देखो ये मेरी एफबीडी हो गई। अब तुमको पता है नेट फोर्स और एक्सेलरेशन, सपोज अपन ऊपर लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कर रहे हैं ना, ऊपर जाएगा, तो अब मुझे तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका नेट फोर्स आएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस क्या हो जाएगा, एमजी, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप देखोगे यहां पे पंगा देखोगे, भाई के एक्स नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, mg, तो आप देखोगे ना, इसको लिखो यहाँ पे, मतलब इसको पूरा तोड़ो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप चेक करोगे kx नॉट और mg के बराबर है, तो भाई ये तो कट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बाय mx हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये सपोज हो गया, तो सिमिलरली अपना a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x से अपन इसको कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ k बाय m, कुछ सेम चीज आ गई भाई। तो मतलब मुझे बताओ mg का जो इफेक्ट है वो कैंसल हो जा रहा है, इसमें mg का इफेक्ट कैंसल हो जा रहा है, कोई है ही नहीं भाई। आपने पता है सेवंथ, ये जो क्वेश्चन है सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, अब क्वेश्चन नंबर में एट बनाता हूं सेम, लेकिन इस पे लगाता हूं ऐसे, ठीक है, मतलब ये कंफ्यूजन देखो ध्यान में रखना, आप कंफ्यूजन हटा ही देना आपको। मुझे बताओ इवन थीटा में ऐसे भी लगाया, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के होगा, पता आपको क्या चेंज होगा, सिर्फ मीन पोजीशन, मेरा आंसर हमेशा क्या रहेगा, मेरा आंसर क्या रहेगा भाई, यही रहेगा, सिंपल सी बात है, ये मेरा मास m है, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपको पता है, मतलब मैं एक काम करता हूं, ये इसकी मीन पोजीशन ले लेता हूं, आपको पता है मीन पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, और ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, के एक्स नॉट, तो यहाँ पे के एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा, खत्म। फिर उससे क्या करना है, उसको यहां से शिफ्ट करना है x से, इसको यहां से x से शिफ्ट कर लो, इस ब्लॉक को यहां पे लेके आओ, ठीक है। अब पूरी की पूरी एफबीडी यहां पे वापस ड्रॉ करो, आपको पता चल जाएगा यहां पे इसके ऊपर का फोर्स आएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, और नीचे वाला जो फोर्स आएगा यहां पे mg sin थीटा। अब आप बेसिकली इसको, और एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, सेम इक्वेशन,
आप लिखोगे यहाँ पे के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब के एक्स नॉट एंड एम जी साइन इक्वल है, कट हो जाएगा भाई, सेम इक्वेशन आएगा। तो मुझे बताओ फिर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब एम जी का इफेक्ट लेना ही नहीं है। मतलब जो गाइस एक मिनट फोन आ रहा है किसी का, रुको एक मिनट। सॉरी फोन आया था। हाँ अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बेसिकली एक्चुअली आज कैमरा का पूरा सामान मंगाया अपन ने, पूरा कैमरा भी मेरा खरीद रहा है, आपको दिखाऊंगा ठीक है। बोर्ड तो आपने देख ही लिया ना, बोर्ड तो आपने देख लिया, ने मैंने दिखाया था ना आपको बोर्ड। हाँ ओके, नहीं दिखाया था क्या? ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। पहले ये थोड़ा सा एक खत्म कर लेते हैं एक वाला पार्ट, उसके बाद दिखाता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो ये सेम चीज हो गई थी। तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, सेम चीज। मतलब भाई ध्यान में रखना, ये एम जी का इफेक्ट अभी लेना ही नहीं है सेवन एंड एट। मतलब आपने इस दो क्वेश्चन से देख लिया चाहिए तो, अभी मैं यहाँ एक मिनट, इसको इसको चाहिए तो वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ध्यान में रखना यहाँ पे कोई एम जी का इफेक्ट लेना ही नहीं है। अब यहां पे mg का इफेक्ट सपोज नहीं लेना है गाइस, नहीं लेना है, ठीक है हो गए। चलो अब यहां पे सिंपल सी बात है, mg का इफेक्ट नहीं लेना है, तो यार फिर स्प्रिंग जो है जितने भी अपने फॉर्मूले नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के लिए वैलिड थे वो सब इसके लिए वैलिड है। मतलब जैसे मैंने एक यहाँ पे स्प्रिंग ले लिया, दूसरा मैंने स्प्रिंग ले लिया, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 2k है, और इसको मैंने मास m रखा, तो मुझे बताओ इसका भी टाइम पीरियड क्या आएगा? फॉर्मूला वही, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट, काम खत्म। इन दोनों को क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट ले लेंगे भाई, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला कर देंगे 2 पाई रूट ऑफ क्या, और कोई mg mg का इफेक्ट नहीं लेगा, डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे m डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट। कितना आएगा k इक्विवेलेंट बताओ जरा, k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, सीरीज में है तो k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 बाय मतलब 2k बाय 3 राइट, 2k बाय 3, तो मेरा आंसर है डायरेक्टली 2k बाय 3, तो 2k बाय 3 कर लो यहाँ पे, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। किसी ने बोला ऐसा वाला क्वेश्चन कि भाई ये ऐसा है तो कोई कुछ डरने की बात नहीं है, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऐसे दो स्प्रिंग्स दे दिए ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसा एक स्प्रिंग दे दिया और नीचे भी सपोज एक मास एम है और यहाँ पे ऐसे मैंने दो स्प्रिंग लगा दिए, अरे भाई कैसे भी रखो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला सेम, सिर्फ स्प्रिंग मतलब सिर्फ क्या चीज चेंज होगा, उसका mg और वो उसका जो एक्सटेंशन है वो उसके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं होगा। तो बाकी यहाँ पे मैंने k लिख दिया, मैंने 2k लिख दिया, मैंने 2k लिख दिया, मैंने k लिख दिया, सीधा k इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, इसका जो भी k इक्विवेलेंट होगा काम खत्म कर लो आंसर, बस यही फॉर्मूला लगा के इसमें डाल दो ठीक है, सेम टाइप का चीज हो जाएगी। और इवन इसको इंक्लाइन प्लेन में रखो यार, इंक्लाइन प्लेन में रखो तो डरना नहीं है भाई, इंक्लाइन प्लेन में ऐसा रखो कुछ भी करो, इंक्लाइन प्लेन का कोई एंगल फर्क ही नहीं पड़ता, ये थीटा कुछ भी होने दो भाई, टाइम पीरियड तो अपना यही फॉर्मूला से मिलेगा, ये अपन ने देख लिया राइट। क्योंकि थीटा जो है ये वेरी करेगा, ये वेरी करने से क्या चीज चेंज होगी, सिर्फ मीन पोजिशन ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो था अपना, मैंने क्या बोला, जेई मेन एंड नीट का, नीट एंड जेई मेन का लोअर लेवल वाला। अब थोड़ा सा अपन जाते हैं जेई मेन के सेशंस, जेई मेन का डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट थोड़ा सा, डिफिकल्ट मतलब जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो, एंड एडवांस। अब इनमें क्या होता है देखो, इनमें क्या होता है, लेकिन गाइस सब लोग रुकोगे क्योंकि ये 5-10 मिनट का ही है, सब लोग देख लो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्प्रिंग के साथ साथ पुली भी आ जाती है, पूरी आ जाती है, या फिर मासेस एक या दो रहेंगे, तीन मास, मतलब अलग 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 सिस्टम्स आ सकते हैं। तो इसको कैसे करना होता है, इसको कैसे करना होता है, मैं अलग 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 क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, फिर अपन उसका क्या करते हैं, अपन उसका रूल बना देते हैं वापस ठीक है। स्टेप्स तो वही रहेंगे, मैं ये सारे क्वेश्चन अपने को इवन क्लास में भी करवाए थे वैसे ठीक है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक मास लगाया है, यहाँ पे एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, ये एक क्वेश्चन हो गया ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ, मैंने स्प्रिंग यहां पे लगा दी
और मैंने मास ऐसे रख दिया तो क्या होगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के। फिर मैं दो तीन क्वेश्चन करता हूँ भाई, बाकी सब लोग आप लोग कर दोगे ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्प्रिंग कॉन्स्टेंट स्प्रिंग लगा दी, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी, फटाफट करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी तो आपका काम है, आप घर पे जाके अलग 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 कॉम्बिनेशन में करते रहो ठीक है। ये K1 K2 हो गया। अब मैंने बोला कि ऐसे इसमें ऐसे सिस्टम्स में हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ठीक है। पहले मैंने क्या बोला, पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, मीन पोजिशन। मैंने बोला कि अभी यहाँ पे मीन पोजिशन फाइंड आउट करना है क्या, नहीं करना है, अपने को पता है भाई मीन पोजिशन में MG और जो भी KX नॉट वो कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज माय मीन पोजिशन। अब डोंट थिंक कि यहाँ पे X नॉट है, ऐसा पकड़ लो X जीरो ही है यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअल में एक्स नॉट है, खींचा हुआ है स्प्रिंग, लेकिन अपन क्या करेंगे अभी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो करेंगे, खत्म बात। अब मैं क्या करूंगा, इधर से इस मास को पहले मैं डिस्प्लेस करूंगा ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मीन पोजिशन फाइंड आउट कर लिया, यहां से इसको डिस्प्लेस कर दिया, जैसे मैंने एक्स से डिस्प्लेस कर दिया तो मेरा मास यहाँ पे एम यहाँ पे आ गया ठीक है। अब यहाँ पे एक्स से डिस्प्लेस कर दिया तो ये भी एक्स से थोड़ा सा ऊपर गया, तो अब मुझे बता इसके इसके एफबीडी में देखो स्प्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो इसके ऊपर जो टेंशन आएगा वो कहां पे आएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई एमजी नहीं लगाना है, अभी एमजी एंड केएक्स नॉट गायब हो चुका है ठीक है। अब यहाँ पे एक ही फोर्स आएगा टेंशन टी, जो कि स्ट्रिंग में है। मुझे होता स्ट्रिंग का टेंशन, यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रिंग का टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन है और जो स्प्रिंग का टेंशन होगा, दोनों क्या होगा, स्प्रिंग का टेंशन स्ट्रिंग का टेंशन दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएक्स, क्योंकि डायरेक्टली है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मास, अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू, मैं टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करता हूँ और टेंशन की वैल्यू खुद के एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टी इज इक्वल टू के एक्स। देखो ना यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, एम ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, के एक्स। तो एक ए की वैल्यू क्या मिल गई, के बाय एम एक्स। भाई सिमिलरली आ गया ना, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, काम खत्म। टाइम पीरियड आ गया मेरा, सेम टाइम पीरियड आ गया मेरा यहाँ पे 2π/m। तो ये तो एकदम नॉर्मल वाला क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे है ही ना यार, यहाँ पे पुलिस है, स्ट्रिंग लगाई हुई है, पंगा यहाँ पे आएगा। ये तो अपना बेसिक क्वेश्चन ही था, बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दिया था, पंगा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सबको याद है, मेरी नोड मेथड मैंने जो बताई थी वो सबको याद है राइट, बस नोड मेथड लगानी, काम खत्म तुम्हारा। यहाँ पे देखो कैसे, अब यहाँ पे ये हो गया मेरा पहले क्या मीन पोजिशन, पहले क्या करेंगे मीन पोजिशन से एक्स से, अब यार समझ जाओ कि थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे ठीक है, इधर है अपना ग्राउंड, इधर है तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले क्या कर दिया, पहले ब्लॉक को एक्स से कहां पे कर दिया, नीचे कर दिया मैंने ब्लॉक को, यहाँ पे लेके आया, जैसे मैं ब्लॉक को यहाँ पे लेके एक्स से नीचे कर दिया, सब मेरा टेंशन मेंशन लिख दो। चलो यहाँ पे आ गया टेंशन टी इस पूरे स्ट्रिंग में, क्योंकि एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को करना है, तो ये टेंशन टी है और ये एक्स से खींचा, तो मुझे तो इसके ऊपर एफबीडी क्या आएगी, टेंशन टी ऊपर आएगा, एक्सेलरेशन भी ऊपर आएगा ठीक है। तो मैंने तो पहले एफबीडी बनाऊंगा। देखो ध्यान में रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सारे स्टेप्स अपने को फॉलो करने, देखो ये जो स्टेप्स थे ना, तीनों तीन स्टेप्स कहां पे गए अपने, तीनों तीन स्टेप्स देखो यहां पे, ये तीनों तीन स्टेप्स तो फॉलो करने ही है। अब यहां पे और एक चीज, ड्रॉ एफबीडी एंड राइट इक्वेशन में, यहां पे एक चीज राइट कंस्ट्रेंट इक्वेशन, भाई कंस्ट्रेंट इक्वेशन पढ़ाया था ना अपन ने, राइट कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहां पे लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कंस्ट्रेंट इक्वेशन अपन लिखते हैं, अपना क्वेश्चन अच्छा हो गया, अच्छा हो गया मतलब जेई मेन एडवांस का हो गया ठीक है। तो बस कुछ नहीं यार, यहाँ पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख दो, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ऐसे सब क्वेश्चंस नीट में आएंगे, लेकिन पता नहीं यार अभी एम्स पीएमटी साथ में हुई है तो आ सकते हैं, तो कर लो, मतलब क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेंशन टी हो जाएगा ठीक है। और अब मुझे बताओ, ये एक्स से खींचा, ये एक्स से खींचा, तो मुझे बताओ ये स्प्रिंग कितने से खींचेगा, नहीं पता, तो नहीं पता ना, तो यहाँ पे क्या लिख दो, ये स्प्रिंग कितने से खींचा, लेट्स से x1 से खींचा, कितने से, x1। अब मुझे तो स्प्रिंग x1 से खींचा, तो पुली भी तो भाई, पुली तो स्प्रिंग को अटैच है ना, जितने से x1 खींचेगा पुली भी कितने से नीचे गई, पुली नीचे कितने से गई, x1 से गई। तो मैं FBD यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखूंगा, तो आपको पता है ये दो पार्ट है, ऐसे दिख रहे हैं, ये स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग मेन है, तो इसके दो पार्ट है, जिसमें जिसमें ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड जा रहा है नीचे एक्स से, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो स्प्रिंग है उसमें कितना जा रहा है, उसमें कितना नीचे जा रहा है, एक्स वन से। तो ये दोनों चीजें कितनी जा रही है, नीचे से एक्स वन से,
और ये चीज क्या है, फिक्स्ड है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहां पे कोई दिक्कत है में जो लिखा है? सेम है ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस टू एक्स वन की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वन। भाई ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बन गया। चलो मैं अभी सारे इक्वेशन लिख देता हूँ, सारे एफबीडी के इक्वेशन पहले लिख दो। पहले कौन कितने पार्ट है, कितने बॉडीज है यहाँ पे, एक पुली है और एक ये मास है, तो दो तो एफबीडी हो गई। तो इस एफबीडी का इक्वेशन क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस एफबीडी का इक्वेशन आएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ चाहिए तो, ठीक है। इस बॉक्स में सारे इक्वेशन लिख रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले तो आएगा टेंशन, T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो गुड, हो गया राइट। तो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने। अब पुली का एफबीडी का इक्वेशन क्या है, पुली के ऊपर टी और टी कितना फोर्स नीचे है, टू टी फोर्स नीचे है और के एक्स वन फोर्स ऊपर है। तो टू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एक्स वन, ठीक है। तो टू टी इज इक्वल टू के एक्स वन आ गया। तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। उसके बाद मेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वन, इक्वेशन नंबर थ्री, काम खत्म। तुमको एक्सेलरेशन को, मेरा मेन एम क्या था, मेरा मेन एम था एक्सेलरेशन को किसके प्रोपोर्शनल करना है, एक्स के प्रोपोर्शनल। अभी यहां पे फटाफट टी इज इक्वल टू एम ए बी में डाल दो, इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू में डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं करूंगा तो यहाँ पे आएगा टू इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के इंटू एक्स वन। अब यहाँ पे ए इन टर्म्स ऑफ एक्स वन आ गया। अब एक्स वन को क्या डालेंगे अपन, एक्स बाय टू, देखो ना यहाँ पे एक्स और एक्स बाय टू है थर्ड इक्वेशन से, तो एक्स वन को एक्स बाय टू डाल दो, तो टू एम ए इज इक्वल टू के एक्स बाय टू। तो यहाँ पे आप तुम देखोगे तो ए इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, सीधा एक्स आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, के डिवाइड बाय क्या आ गया, फोर एम, खत्म बात, आंसर आ गया तुम्हारा। तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, ये जो टर्म बचा ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर आ गया ओमेगा, आ गया मतलब टाइम पीरियड आ गया। बस नोड मेथड करना है यार। अभी यहाँ पे देखो मैं थर्ड भी बताता हूँ, यहाँ पे तुमको और समझ में आएगा। देखो वापस देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो क्या करना है, पहले क्या करना है, इस मास को एक्स से नीचे करना है। अब समझ जाओ, ग्राउंड थोड़ा सा नीचे ले लो। अब यहाँ पे ये मास को थोड़ा सा एक्स से मैंने डिस्प्लेस किया, कितने से डिस्प्लेस किया, देखो यहाँ पे एक्स से। अब पंगा क्या है, यहाँ पे ये भी स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग, दोनों में मुझे पता नहीं क्या होने वाला। चलो ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन हुआ x1, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन हुआ x2, तो ये x1 से खींची, ये वाली x2 से खींची, ठीक है। तो ये x1 से खींची, x2 से खींची, चलो अच्छी बात है, मैंने जो भी है वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पहले लिखता हूं ना कंस्ट्रेंट इक्वेशन, इसके अंदर x2 का एक्सटेंशन आया, इसके अंदर x1 का एक्सटेंशन आया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंड x1 से नीचे गया और ये वाला एंड x2 से ऊपर गया, ऐसे ही है। चलो कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट किसका लिखेंगे, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग कितनी है, देखो यहाँ पे इतनी स्ट्रिंग है, दिख रही है आपको, ये स्ट्रिंग तो इतनी है ना, इधर स्प्रिंग है, इधर भी स्प्रिंग है, स्ट्रिंग तो इतनी है। तो ये जो स्ट्रिंग जो दिख रही है ना, उसका अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने स्ट्रिंग लिख दिया यहाँ पे, तो ये मैंने स्ट्रिंग को ड्रॉ कर दिया। अब ये पुली नीचे जा रही है एक्स वन से, तो मुझे बताओ ऊपर वाले एंड कितने से नीचे जा रहे हैं, एक्स वन, मुझे बताओ ये वाला मास एम कितने से नीचे जा रहा है, एक्स से, और ये एक्स टू, खत्म बात, लिख दो यहाँ पे, आंसर आ गया तुम्हारा। ये सारे जगह पे माइनस, इधर प्लस, ये प्लस साइन डालेंगे, ये नीचे छोटा कर रहा है तो माइनस साइन डालेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स वन माइनस टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू, कोई दिक्कत है क्या? तो ये जो मेरा इक्वेशन हो गया, किसका इक्वेशन हो गया, ये मेरा इक्वेशन हो गया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। थोड़ा सा याद कर लो भाई, इसको वर्क डन बाय टेंशन मेथड से भी लिख सकते हो, जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है। अब ये होने के बाद सारे एफबीडीज, अब एफबीडीज कहां कहां पे हैं बताता हूं, ठीक है। पहले तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा टी, और ये होएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू एम ए हो गया। अब मुझे बताओ इस स्प्रिंग में टेंशन कितना है, के वन एक्स वन, इस स्प्रिंग में टेंशन कितना है, के टू एक्स टू, कोई एक बात बता सकता है, ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो टेंशन भी कितना होगा, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी भाई, के टू एक्स टू ही होगी यहाँ पे भाई, ये स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग अटैच्ड है ना, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, के टू एक्स टू। अब मुझे बताओ ये के टू एक्स टू हो गई, और एक चीज, ये टेंशन इस केस में यहां पे टेंशन टी है और यहां पे टेंशन टी है, ऊपर टेंशन के वन एक्स वन है, तो टू टी की वैल्यू कितनी के बराबर आएगी, के वन एक्स वन,
तो ये किसका एफबीडी है, पुली का एफबीडी है, ये इस ब्लॉक का एफबीडी है और ये स्ट्रिंग का है चीज, खत्म बात। तो ये सारे जो इक्वेशन मैंने लिखे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से लिखे मैंने, भाई इसमें कोई भी दिक्कत है क्या? मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से ही सारे इक्वेशन लिखे है बस। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और ये अपना चौथा इक्वेशन, इस इक्वेशन को जितना भी हो सके उतना फास्ट करके सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का भाई मैं एक बार करके दिखाता हूं क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूं, बाद में करने का काम आपका है, ठीक है? तो यहां पे सब लोग देखो, पहले तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखेंगे। 2 और 3 में क्या दिखेगा अपने को, टी यहां पे डाल दो, टी एंड थ्री आप टी यहां पे डाल दो, तो यहां पे मैं यहां से सॉल्व कर लेता हूं, 2 × t, तो 2 × k2x2 इज इक्वल टू k1x1। आपको पता है अभी इतना स्पीड बढ़ाना, आपका डायरेक्ट भी लिख सकते हो यार, मुझे होता है टेंशन में k2x2 होता है, k1x1 होता है, ये सब इतना ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, जितना भी फास्ट हो सकता है कचरा करके फटाफट लिख दो, ठीक है? अब टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन k2x2 था इसमें डाल दो, तो k2x2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? अब मुझे a इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, x चाहिए, मुझे a इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, क्योंकि मेरा फाइनल एम क्या है, मेरा फाइनल है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x इज माय फाइनल, मुझे a इन टर्म्स ऑफ x2 मिल रहा है, तो हाउ टू राइट x2 इन टर्म्स ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन मुझे मिला है ना गाइस, बस इस इक्वेशन में जुगाड़ कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे जुगाड़ क्या करेंगे, अब x2 के टर्म है तो मुझे x2 को इन टर्म्स ऑफ x1 लिखना है, मतलब या मुझे x1 को इन टर्म्स ऑफ x2 लिखना है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो थोड़ा सा जुगाड़ मार के यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू, ठीक है? अब यहाँ पे ये x1 के जगह कितना आ जाएगा, 2 × देखो यहाँ पे ये चीज मैं लिख रहा हूँ, x1 के जगह मैं क्या लिखूंगा, x1 के जगह मैं लिखूंगा 2 × 2k2x2/k1। कोई दिक्कत है क्या? देखो ना x1 की जगह क्या लिखा मैंने, व्हाट इज x1, 2k2x2/k1, जिसका मैथ्स अच्छा है ना फटाफट समझ में आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है? प्लस x2 हो गया, तो यहाँ पे x2 को कॉमन निकालो, आपको पता है x2 को कॉमन निकालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 को कॉमन निकालेंगे तो डायरेक्टली जिसका जो मैथ्स है फटाफट बताओ मुझे, x2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, k1/4k2+k1 ऐसा कुछ आया, देखो यहाँ पे इंटू एक्स, देखो यहाँ पे भाई x2 कॉमन निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यही आएगा सिंपल बस। अब ये जो आया है गाइस, ये जो आया है इसमें डाल दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया, ठीक है? तो मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आई k1 k2/4k2+k1 इंटू क्या, x, मास यहां पे लेके आओ, यही मेरा हो गया, क्या हो गया मेरा टाइम पीरियड ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आ गया मेरा, ठीक है? तो ये जो हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, मतलब मैं एम को इधर लेके आऊंगा, तो ये देखो, ये जो मैंने देखो इक्वेशंस लिखे, ये इक्वेशन लिखना होता है मेरा काम, ठीक है? सॉल्व करना आपका मैथ्स का काम होता है, तो ये जो है ना यार, ये हर कोई आदमी ना अपने अपने हिसाब से करेगा, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन जनरली कहाँ पे आएंगे, जेई एडवांस में आ जाएंगे या जेई मेन के बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, आप खुद सॉल्व कर लो, आपको मेथड समझ में आया, मेथड समझ में आया क्या पहले बताऊंगा बस, तो मेथड समझ में तुम्हारा काम खत्म हो गया यार, मतलब मेथड समझ में तुम्हारा काम खत्म हो गया। एक चाहिए तो मैं बस मतलब इतना ही कर लेता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करता, टाइम ज्यादा गवाना नहीं है। अब मैं थोड़ा सा और अच्छा वाला चीज कर लेता हूँ पहले, क्योंकि अब मेरे को ना मतलब रोटेशन भी इसमें डालना है, क्योंकि एडवांस के भी क्वेश्चन आज ही मैं बताऊंगा कैसे करने हैं, मतलब आप कर सकते हो, ठीक है? तो चाहिए तो इसको पहले एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो आप, बाद में सॉल्व करते रहो इसको, दोनों क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो अब वापस नीट पे आते हैं, वापस नीट पे आते हैं, नीट एंड जेई मेन लाइट, ठीक है? अब जेई मेन लाइट एंड जेई मेन प्रो ऐसा बोल देंगे अपन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब नीट में, अब मैंने जो जो अभी तक जो एक्सप्रेशन यूज किया वो किया है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। अब सिमिलरली मेरा और एक एक्सप्रेशन आता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है? और जैसे मैंने इसको f इज इक्वल टू एम ए लगाया, वैसे इसको हम लगाएंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये टॉर्क इक्वेशन कहां कहां पे वैलिड है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? वापस मैं स्टार्ट करूंगा नीट से और हम जाएंगे जेई लाइट पे और जेई प्रो पे, ठीक है?
अब यहाँ पे सब लोग ध्यान में देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन होता है अपना सिंपल पेंडुलम, भाई कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। और सिंपल पेंडुलम में क्या होता है पता है, सिंपल पेंडुलम एक बकवास वाली चीज है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, सिंपल पेंडुलम में पहले एक नॉर्मल पेंडुलम ऐसे लटका रहेगा जिसका मास m है, लेंथ l है, अपने को पता है मास m को थोड़ा सा खींचो ऐसा छोड़ दो तो ऐसा करते रहेगा, और इसी ये जो ऑसिलेशन है उसको हम लोग SHM बोलेंगे। क्यों SHM बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने प्रूव भी किया है, मतलब ये कब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने मास m को यहाँ से छोटा सा ऐसे मैंने शिफ्ट किया, पहले क्या करेंगे मीन पोजिशन, तो मैंने मीन पोजिशन फाइंड आउट कर ली। अब मीन पोजिशन फाइंड आउट करने के बाद उसको मैंने थीटा से ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लिया और छोड़ दिया। अब ध्यान में रखना, जब छोड़ दिया तो थोड़ा सा है ना ये मतलब सर्कुलर मोशन वाली चीज हो गई, राइट। अब सर्कुलर मोशन मतलब अभी देखोगे तो इवन मैंने इसको रॉड ले लिया तो ये तो पूरा रोटेशन हो गया, ठीक है। तो अपन इसको ना सॉल्व करेंगे अल्फा से, अल्फा मेथड से। अब मुझे तो इसका एफबीडी क्या क्या है, इसके एफबीडी में अपन क्या करेंगे, मास एमजी है यहाँ पे, टेंशन टी है, तो ये तो इसका एफबीडी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से जा रहा है, तो अपन टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, एक्सिस रोटेशन यहां से जा रहा है ना, टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे लगाने का मतलब क्या है, इस टेंशन का, ये टेंशन तो यहां से ही जा रहा है तो टेंशन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा, ठीक है। ये इक्वेशन लग सकता है, टॉर्क इक्वेशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, यहाँ पे एमजी एंड एमजी का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे ना एमजी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने जाऊं तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे सपोज इसका लेंथ एल है तो ये एंगल थीटा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, एल क्या हो जाएगी, साइन थीटा, एमजी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना गाइस, नहीं सॉरी, एमजी से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो एल साइन थीटा हो जाएगा। तो एमजी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एमजी इनटू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अब एक ही मास है, छोटा सा पॉइंट मास से घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो ये मेरा मतलब इसका रेडियस हो गया वो एम इंटू आर स्क्वायर, तो डायरेक्टली एम इंटू एल स्क्वायर कर लो, काम खत्म हो गया, इंटू अल्फा कर लो। तो अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मास एंड मास कट हो जाएगा, एल और एल भी कट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आई, जी बाय एल साइन थीटा के बराबर आई। मुझे तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो ये बेसिकली मतलब थीटा सपोज बड़ा होगा ना, इफ थीटा इज बिग, तो ध्यान में रखना दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होना चाहिए, ये बिग होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, नॉर्मल ऑसिलेशन, ये नॉर्मल ऑसिलेशन हो जाएगा इफ इट इज बिग, ठीक है। लेकिन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी के बराबर आएगी, थीटा के बराबर आ जाएगी, तो थीटा यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अल्फा आ जाएगा, जी बाय एल इंटू थीटा आ जाएगा। अब मैं इसको इसके साथ क्या करता हूँ, मैच करता हूँ, तो मेरा ओमेगा आ गया, यहाँ पे मेरा ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, ठीक है। अब 2 पाई बाई टी डाल दो यहाँ पे 2 पाई बाई टी डाल दिया, अंडर रूट ऑफ जी बाय एल हो गया। तो यहाँ पे मेरा जो टाइम पीरियड आएगा गाइस, मेरा टाइम पीरियड आएगा, मेरा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे टाइम पीरियड का, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम याद रख लो, दो ही फॉर्मूले याद रखने, टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एम बाई के ऊपर स्क्रीन के लिए, और इसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जी, इस जी को हम लोग क्या बोलेंगे बाद में, जी इफेक्टिव, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला में 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। कैसे, तो उसके एक दो एग्जांपल बता देता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल देता हूं। अब एग्जांपल वन में सिंपल यार, ये यही पेंडुलम है, यही पेंडुलम मास एम का है। अब इसको मैंने लिफ्ट में डाला और ये लिफ्ट लेके गए अपन ऊपर कुछ एक्सेलेरेशन ए नॉट से, तो पता है ना तुमको यार सबसे इजी कहां से, अपन कहां से देखते भाई इजी, ये सब एक चीज इजी कहां से हो जाएगी, जब आदमी कहां पे जाके देखेगा, एफबीडी कौन बनाएगा, बंदा यहां पे बैठा हुआ तो क्या बनाएगा, ये सूडो फोर्स डाल देगा, एम ए नॉट से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स आएगा एम ए नॉट, तो यहाँ पे देखो एमजी तो था ही, इसके साथ साथ एक सूडो फोर्स आएगा, कौन सा, इस एक्सेलरेशन को ए नॉट को नीचे कर लो तो यहाँ पे एम ए नॉट हो जाएगा, तो एमजी एंड एम ए नॉट, तो नेट फोर्स कितना है यहाँ पे नेट फोर्स कितना है भाई, एमजी प्लस, तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स आया एम ऑफ जी प्लस ए नॉट, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे भी अपन ने जो भी किया, अब मैं यहां से सपोज इस चीज को थीटा से मैं ऐसे मतलब थीटा से ऐसे कर लू
और मैं छोड़ दूं तो बस फोर्स जो है वो जी के जगह जी प्लस ए नॉट आ रहा है भाई, जी जी के जगह जी प्लस ए नॉट आ रहा है ना, मतलब क्योंकि यहां पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एम ऑफ जी प्लस ए नॉट। बाकी पूरी मेथड यही तो रही, एम जी प्लस ए नॉट इंटू एल विल करके टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा करके करेंगे, बस मेरा जी के जगह जी प्लस ए नॉट आ गया। अब यही ए नॉट, ठीक है, यही ए नॉट नीचे जा रहा है, यही ए नॉट सपोज ए नॉट नीचे जा रहा है तो यही सूडो फोर्स एम ए नॉट ऊपर जो नीचे लग रहा था वो कहां पे लगेगा, ऊपर लगेगा। तो यहां पे इसके लिए, इसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। भाई तो जी इफेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, जी प्लस ए नॉट जी माइनस ए नॉट। कोई बोला सर ये जो है, चलो लिफ्ट को इधर लेके जाते हैं अपन। अब यहां पे बताए, जब यहां पे लेके जाते हैं ए नॉट से, जब ए नॉट से यहां पे लेके जाते, एक सिंपल सी बात है, जब ए नॉट से यहां पे लेके जाते हैं, किसी ने इसका एफबीडी बनाया। अब ये बंदा है यहां पे, कहां पे जा रहा है वो एफबीडी बनाने वाला बंदा, कहां पे जा रहा है, ए नॉट से ऐसे जा रहा है। तो मुझे बताओ इस मास के ऊपर, ये जो मास मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो इस मास के ऊपर अभी सूडो फोर्स कहां पे लगने वाला है, एम ए नॉट ऐसे लगने वाला है और एम जी कहां पे है, नीचे है। तो मुझे बताओ ये टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है यहां पे रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना, थोड़ा सा ऐसा पीछे जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब पीछे जाएगा तो आपको पता है जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन यही कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एम ए नॉट हो जाएगा, ये एम जी हो जाएगा, ये टेंशन टी हो जाएगा, ये क्या कर देंगे एक दूसरे को, क्या कर देंगे बेसिकली इक्विलिब्रियम में कर देंगे। और थीटा नॉट, अब इसकी जो मीन पोजीशन है वो चेंज हो गई, मीन पोजीशन यहाँ पे थीटा नॉट हो गई। और आप इसका डेरिवेशन करेंगे फिर इसको, इसको थोड़ा सा थीटा से मैं मतलब बाजू में करता हूं, छोड़ देता हूं, तो आपको पता है ये ऐसे 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 क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, सब कुछ सेम, बस यहां पे mg एंड ma नॉट अभी परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो यहां पे जो g इफेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू क्या, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a नॉट स्क्वायर। तो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा g इफेक्टिव, ध्यान में रखना। कोई दिक्कत है इसमें, अब तक कोई दिक्कत है क्या जो मैं अभी यहां पे जो कर रहा हूं इसमें कोई दिक्कत है, बस ध्यान में रखना। तो जी इफेक्टिव यहां पे चेंज कर लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये मेरा हो गया। अब यहां पे चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो आप लोग, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेके रखो यहां पे। देखो गाइज मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैकेनिक्स खत्म हो रहा है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड वेव्स ये मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक्स, इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड वेव्स हाथ के टॉपिक्स होते हैं, उसके हर एक क्वेश्चन एच शर्मा के सॉल्व होने जाने चाहिए, हो जाने चाहिए, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड वेव्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रोडायनामिक्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए मैं आपको भी ब्रेक दूंगा, ठीक है, अपना 10 दिन का ब्रेक रहेगा, उसमें आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पूरे वीडियोज मेरे यूट्यूब वाले देखने हैं, या अपने जो क्लास में कराए थे मैं मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई को भी अपलोड कर देता हूँ, पूरे के पूरे वीडियोस देखने हैं, उसी के बाद मैं आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स लूंगा क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स बकवास है। मॉडर्न फिजिक्स जब मैं वापस पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स देखो, मॉडर्न फिजिक्स हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड वेव्स, इसका हर एक क्वेश्चन तो आपका आना ही चाहिए, ठीक है। ये मतलब कैसा होता है कि ये मतलब केमिस्ट्री टाइप होता है, ठीक है, अपने को आना ही चाहिए वो चीज, ठीक है। अपन ने मैकेनिक्स को इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि अभी मैकेनिक्स में आपका कॉन्फिडेंस आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस से पता है आपको, आप केमिस्ट्री भी पढ़ना चालू करोगे ना खुद से, या इवन आप अभी आगे का फिजिक्स भी पढ़ना चालू करोगे ना, आपको आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स जनरली कहीं पे भी मैकेनिक्स ऐसा रिवाइज नहीं किया जाता, अपन ने किया है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस कर लो, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा कर लो, रोटेशनल मोशन नीट के लिए डरने की जरूरत नहीं है भाई, नीट एंड जेई मेन के लोअर लेवल के लिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इतना आता ही नहीं है रोटेशन। जो लोग जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रोटेशन वापस एक हफ्ता आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते अब यहां पे मैंने आपको कर दिया, मैंने क्या बोल दिया आपको, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम के बाद ना एक छोटा सा और पेंडुलम आता है, जहां पे लेट्स से मैंने सेम मेथड से होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा लेवल हो गया, लेट्स से मैंने यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल दो एग्जांपल दे रहा हूं, सेम मेथड अपने को लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जगह पे मैंने यहां पर लगाई ये रिंग, ये है रिंग,
मास m की है और रेडियस r की, और यहाँ पे लगाया मैंने यहाँ पे मास m का और लेंथ l का रिजिड बॉडीज। अब ये रिजिड बॉडी को मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे इस रिजिड बॉडी को, एक रिजिड बॉडी है जिसको मैंने ऐसे ए किया और ऐसे इसको किया और छोड़ दिया, तो क्या करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, ऑसिलेट करेगी, सिंपल सी बात है, ऑसिलेट करेगी। तो मैंने क्या कर दिया, पहले क्या करने का, मीन पोजिशन फाइंड आउट करके, मीन पोजिशन के बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे थोड़ा थीटा में घुमाया, भाई पहले मीन पोजिशन फाइंड आउट करो, अपना सेम मेथड, पहले मीन पोजिशन फिर एंगल थीटा से थोड़ा सा घुमाओ, ठीक है, मतलब जो एक्स से करते थे, एक्स से डिस्प्लेस करते थे, वो थीटा पे घुमाओ, और फिर अल्फा, देखो अपना फाइनल इक्वेशन क्या, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एम जी ऐसे होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है इसकी लेंथ एल होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एम जी का, अब तुमको पता है भाई ये जो डिस्टेंस है ना एम जी का, यहाँ पे टॉर्क लेना पड़ेगा अपने, राइट। देखो यहाँ पे अलग अलग हिंज फोर्सेस होंगे, एन वन होंगे या एन वाई एन एक्स, कुछ काम है क्या उसका, इन सबका एन एक्स एन वाई एम जी, यहाँ पे अपन इक्वेशन जब लगाएंगे तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू अल्फा, जिसमें एन एक्स एंड एन वाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीज क्या हो जाएगी, एन एक्स एंड एन वाई का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एन एक्स एंड एन वाई यहाँ पे सपोज कैंसिल हो गया, तो आपको पता है एम जी का, अब मैं यहाँ पे एम जी लगा देता हूं, तो एम जी का ये जो होगा, एम जी का ये यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, देखो यहाँ पे ये चीज जो है वो एल बाई टू है, ठीक है, ये एल बाई टू है, ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये चीज क्या हो जाएगी, एल बाई टू क्या हो जाएगी, साइन थीटा, काम खत्म। तो भाई यहाँ पे जो टॉर्क आ जाएगा, यहाँ पे जो टॉर्क आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी इंटू क्या हो जाएगा, एल बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, याद करो जरा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है एंड से, इंटू अल्फा कर दिया, एल और एल कैंसिल हो गया, व्हेन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, कर्व थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा वेरी स्मॉल कर दिया, एम एम कट, ठीक है। तो अल्फा की यहाँ पे वैल्यू क्या आई, थ्री जी डिवाइड बाय टू एल इंटू थीटा, बस ये चीज जो हो गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, काम खत्म हो गया तुम्हारा। अब यही देखो इसके वेरियस क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जब मैंने यहां से एक्सेल रोटेशन लिया है ना, अब एक्सेल रोटेशन सपोज यहां से और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यहां से ऐसे ऐसे कर, कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। अब एग्जांपल टू देखो, अब एग्जांपल टू में यहाँ पे रिंग ऐसे लगाई हुई मैंने, ये रिंग ऐसे लगाई हुई मैंने, अब इस रिंग को क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा एंगल, देखो यहाँ पे गाइस ध्यान में रखना, ये सपोज सेंटर यहाँ पे चला गया, ये सेंटर पहले यहाँ पे था, आर रेडियस का सेंटर था, ये रेडियस थोड़ा सा ऐसे करके शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा रिंग को ऐसे कर दिया और छोड़ दिया, तो ऐसे 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 होती रहेगी। अब यही ये आर है, ये एंगल बेसिकली थीटा से है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोर्स कौन सा है, एम जी है, भाई गाइस सेम चीज आ जाएगी यार, एम जी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, एम जी है, आर है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगी, साइन थीटा। तो बस टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रिंग लो, रिंग के जगह डिस्क लो, स्फीयर लो, जो भी लो, ठीक है, आर 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 कैंसल, थीटा स्मॉल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जी बाई टू आर इंटू थीटा हो जाएगा, और ये जो चीज हो जाएगी मेरी ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को, ओमेगा स्क्वायर लिख के मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा आ गया, तुम्हारा आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा अलग 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 टाइप का, क्या मतलब यहां तक मैंने जो बताया वो जेई मेन, थोड़ा सा जेई मेन का अच्छा लेवल प्लस नीट वाला लेवल पड़ा। अब थोड़ा सा मैं जेई एडवांस का क्वेश्चन कराता हूँ गाइस, थोड़ा सा जेई एडवांस का इसके ऊपर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन। अब जेई एडवांस में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है, स्प्रिंग एंड इसी के ऊपर, मैं पहले स्प्रिंग एंड इसी के ऊपर के क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और फिर गाइस मैं कुछ कुछ चीजें और बताने वाला हूं आपको, ठीक है, वो भी आपको सुनना है, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन यहां पे बताने वाला हूं। पहले अभी स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर ना कभी कभी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये एडवांस वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स से मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने यहां पे दो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल वन, हाँ मतलब वही वही जे एडवांस प्लस वाला टाइप्स का हो गया। पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ इसमें, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया है डिस्क,
अब यहां पे देखो ये डिस्क है, अब ये डिस्क में यहां पे सेंटर पे ऐसे लगाया और मैंने डिस्क का रेडियस दिया मास और मतलब सॉरी मास दिया एम, रेडियस दिया आर, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के दिया। अब मैंने क्या किया, इस डिस्क को थोड़ा सा ऐसे ऐसे खींचा और छोड़ दिया, तो डिस्क क्या करेगी, क्या करेगी, ऐसे जम करेगी। अब यहाँ पे बोला है, कंडीशन दिया है कि दिस इज रोल, तो ये होती है रोलिंग होती है इसमें। अब ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बहुत तरीके होते हैं, मैंने आपको ना एनर्जी मेथड नहीं बताया। सो देयर आर बेसिकली थ्री मेथड्स, एक होता है एफ इज इक्वल मतलब ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, और मैंने इवन मेरे नॉर्मल वीडियोस में एसएचएम के वीडियोस में मैंने एनर्जी मेथड भी बताया, लेकिन एनर्जी मेथड जो है यार सब्जेक्ट काम में नहीं आता, ठीक है। अब मैं यहां पे बताता हूं, क्योंकि कभी कभी एनर्जी मेथड से ना क्या है क्वेश्चन खाली फुकट बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो अब रोलिंग का जो केस है, देखो यहां पे रोलिंग का केस मैं आपको यहां पे लेता हूं। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट किया, अब शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने शिफ्ट किया ये कुछ ना कुछ यहां पे चला गया, थोड़ा सा शिफ्ट किया, देखो ये रोलिंग है, रोलिंग है, मैं एकदम थोड़ा सा शिफ्ट किया है, जैसे मैंने एक्स डिस्टेंस से शिफ्ट किया, तो ये जो बेसिकली है कुछ इस तरीके से बन गया, देखो यहां पर मतलब मेरा डिस्क थोड़ा सा ऐसे हो गया, एक्स डिस्टेंस मैंने शिफ्ट किया उसको, सेंटर को, सेंटर ऑफ मास है, अभी लेना है अपने को सेंटर ऑफ मास, गाइस सेंटर ऑफ मास का एक्स डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो फोर्स कौन सा आएगा बताओ मुझे, इसके ऊपर एक फोर्स आएगा के एक्स, मैं यहां पे लिख दिया के एक्स, आपको पता है नीचे कौन सा, नीचे एक फोर्स होता है कौन सा, फ्रिक्शन, याद है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन होता है, बट रोलिंग फ्रिक्शन इज अननोन, ठीक है। और इसका मैंने एक्सेलरेशन लिया ए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए, तो एक्सेलरेशन मैंने लिया एक मिनट का एक ये वाला कॉल आया था किसी का, एक्सेलेरेशन मैंने मान लिया ए। आपको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ए इज इक्वल टू, देखो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, आपको पता है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज लिखनी पड़ेगी, मतलब आपको पता है तीन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कौन से इक्वेशन मैं आपको लिख के बताता हूँ, चाहिए तो मैं लिखूंगा पहले इक्वेशन के एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मेरा इक्वेशन आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए वाला, तो मुझे ना ये गाइस जे एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो बाकी नीट और वो वाला सिर्फ 10 मिनट सुनो, क्योंकि उसके बाद मेरा मेन काम बचा है, मेरा मेन मतलब काइनेमेटिक्स वाला पार्ट बचा है मेरा, ठीक है, फेजर मेथड वगैरह, तो पहले ये सुन लो, ठीक है। के एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन नंबर वन लिया, मैं इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने लेट्स से ये मेरा एफ इज इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन था, फिर मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखूंगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाला, कहाँ पे लगाना है अपने को टॉर्क, चलो टॉर्क लगाते सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या करूंगा मैं एफ इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्क है, तो डिस्क के मतलब क्या एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू क्या हो जाएगा अल्फा आई अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास पे भी लगा दिया मैंने, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लगा दिया, और इसके बाद सपोज ये मेरा अल्फा है, अब ये रोल कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अल्फा, आपको पता है ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करो और ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स में लिख के आओ, तुम्हारा आंसर खत्म, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों से आप कर सकते हैं, लेकिन तीन तीन इक्वेशन सॉल्व करने थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्यों करना है यार, डायरेक्ट मेथड बताता हूं मैं आपको, डायरेक्ट मेथड ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट मेथड होती है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होती है पता है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, डायरेक्टली टॉर्क अबाउट क्या लेना है, इंस्टेंट राइट मिलोनी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, भाई डायरेक्ट टॉर्क इक्वेशन लगाओ। और मैं एक चीज यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ, ये ड्रॉइंग थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। पहले पॉइंट यहां पे था, ये पॉइंट जा रहा है यहां पे, ठीक है, चाहिए तो मैं यहां पे देखो, यहां पे मैं अलग इसमें लिखता हूं। अब ये जो चीज है देखो, ये हो गया आर, ये हो गया आर, जो थोड़ा सा मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये एंगल कितना हो गया यहां पे, जो एंगल हो गया, ये एंगल कितना हुआ थीटा, ठीक है। तो अब यहां पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, मैं टॉर्क लेता हूं अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि लग सकती है ना, तो यहां पे टॉर्क अबाउट क्या रहेगा, यहां पे टॉर्क क्या रहेगा, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क तो रहेगा नहीं, सिर्फ के एक्स फोर्स का टॉर्क रहेगा। और जिसको ये जो चीज समझ में नहीं आ रही है ना, बाद में देख लो, रिकॉर्डिंग में देख लो, तो के एक्स इंटू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा टॉर्क मेरा स्प्रिंग फोर्स का, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क, देखो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा के एक्स इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, याद है ना एम आर स्क्वायर बाई टू ये होता है प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल सिस्टम लगा दो तो थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो गया,
ठीक है, इंटू अल्फा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जब इंटू अल्फा कर दिया, अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए मुझे। अब सिंपल बात है यार, यहाँ पे आर और आर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक और चीज मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस मेरा कितना था, एक्स था। तो यहाँ पे मुझे देख के बताओ, एक्स की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, आर थीटा ना, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब छोटा सा करके मैंने छोड़ दिया। तो एक्स इक्वल टू आर थीटा कर देते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर इंटू थीटा कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3/2 एम आर इंटू अल्फा। अब यहाँ पे आर और आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अल्फा जो है मेरा, अल्फा देखो क्या आ गया भाई, अल्फा आ गया मेरा 2k/3m इंटू थीटा, आपको पता है। और यही चीज ओमेगा स्क्वायर है, आप यहां से भी कैलकुलेट करके देखो, आंसर सेम आने वाला है। इसको सॉल्व करके देखो, आपका आंसर सेम आने वाला है। इवन मैंने अपने वीडियो में, एचएम की वीडियो में, मैंने एनर्जी मेथड से भी इसको सॉल्व किया। अब देखो एनर्जी मेथड से भी मैंने सॉल्व किया, एनर्जी मेथड से भी आंसर भाई सेम ही आएगा। क्यों करना है आपने को, ये इससे कर लो ना सीधा, ठीक है। तब इसके ऊपर का जो एग्जाम्पल होता है, मतलब अलग 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 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जनरली, जैसे कि मैंने, मतलब ये एग्जाम्पल भी आपको कॉमन दिखेगा बहुत सारे जगह पे। जैसे यहाँ पे जैसे एक डिस्क दी हुई है, या स्फीयर दिया है, या सिलेंडर दिया है, जो भी आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे स्प्रिंग लगाई हुई है ऊपर, यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग लगाई हुई है ऊपर, जैसे इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है 2k, और ये है डिस्क। अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ऐसा खींचा और ऐसा छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा 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 होते रहेगा। अब एकदम सिंपल यार, सेम चीज यार, क्या करना है इसको, इस मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड से करते हैं। यहां से मैंने x को यहाँ पे लेके गए, छोटा सा मैंने, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ये छोटा सा मैंने x यहाँ पे लेके गया, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चाहिए तो मैं, मतलब इसी कलर में ड्रॉ करता हूँ। पहले सेंटर ऐसे था, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो ऊपर वाला स्प्रिंग है, मुझे बताओ ये x से गया, तो कभी एक चीज ध्यान में रखना, ऊपर वाला कितने से जाएगा, ऊपर वाला x से जाएगा क्या भाई, रोलिंग में, सपोज मुझे, मैंने क्या बोला, ये रोलिंग हो रही है गाइस, ये रोलिंग है, दिस इज रोलिंग, दिस इज रोलिंग, ठीक है। तो एक्स से नहीं जाने वाला है गाइस। अब एक बात बताओ मुझे, जो भी एडवांस वाले पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे बताओ, नीट वालों को थोड़ी देर और, थोड़ी टाइम और रुकना है, एक 5 मिनट और रुको, फिर अपन चालू करते हैं अपना वो वाला क्वेश्चन। ये एक्स से जाता है ना, ये रोलिंग होता है, तो ये 2x से जाता है। अब देख लो, चेक कर लो भाई, रोलिंग में, रोलिंग में ये वेलोसिटी v होगी, ये ओमेगा होगा। तो आपको पता है इधर क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा, ये v इज इक्वल टू ओमेगा होता है, नीचे वाला पॉइंट तो जीरो होता है, ऊपर वाले पॉइंट में v भी ऊपर है, ओमेगा r भी आगे ही है, तो v प्लस ओमेगा क्या हो गया, 2v। तो ये स्पीड v होगा, तो इसका स्पीड कितना हो जाता है, इसका स्पीड कितना हो जाता है, 2v। या आपको इवन, आपको सपोज इसको ना प्रूव करना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट, ये रेडियस r है बराबर, ये वाला पॉइंट x डिस्टेंस से आगे गया, तो इसलिए कवर, डिस्टेंस कितना कवर किया, थीटा। तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस से आगे जाएगा, ये सपोज 2r है, तो ये कितना जाएगा, 2x ना, नहीं समझ में आया, ठीक है। ये x से गया सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना जाएगा, 2x से जाएगा। वो डिपेंड करता है कहां पे, मैंने अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया, कभी कभी क्वेश्चन में अभी ऐसे भी आ सकता है, कोई दूसरे पॉइंट पे भी लगा सकता है, ठीक है, बस आपको ये चीज समझनी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये x से गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितने से जाएगा, 2x है, और सिंपल सी बात है, तो ये जो मेरा बेसिकली, ये जो मेरा वो था, क्योंकि बेसिकली सिंपल बात है, ये मेरा रेडियस है r, ये r, 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 और ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू आर थीटा कर लो यहाँ पे, x इक्वल टू आर थीटा आपने को लिखा हुआ है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r थीटा। तो मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है 2x है, तो अब मुझे तो सारे फोर्सेस को मैं ड्रॉ करता हूं, तो ऊपर में 2x, 2x into 2k, एक फोर्स आएगा इधर, और ये आएगा k into 2x, तो कितना टोटल फोर्स आ गया, ऊपर फोर्स कितना आ गया, इस स्प्रिंग का फोर्स कितना है, 2k into 2x, और इस स्प्रिंग का फोर्स कितना है, k into 2x, तो कितना फोर्स टोटल आया, 4, 6, 6 kx। गाइस ध्यान में रखना, ऊपर फोर्स कितना आएगा, 6 kx, राइट, तो यहां पे ऊपर फोर्स आएगा 6 kx इधर, ठीक है। तो 6 kx फोर्स आएगा यहाँ पे, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू अल्फा हो जाएगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आएगा, 6 kx इंटू क्या हो जाएगा, 2r, कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3/2 mr। पार्थ तुझे कुछ डाउट है, 3/2
एम आर स्क्वायर आ जाएगा अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अब एक्स की जगह यहाँ पे क्या डाल दो, आर थीटा डाल दो, यहाँ पे काम खत्म हो गया तुम्हारा, एक्स की जगह आर थीटा डाल दो, तुम्हारा जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। बस ये मेरा इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको पता है बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसी के टाइम पे आते हैं, वो आप कर सकते हो गाइज, ये एडवांस वालों के लिए है सारे क्वेश्चंस, कि मैंने सपोज यहाँ पे एक ऐसा कुछ चीज लगाया, यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया, यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया, सब टॉर्क इज इक्वल टू और वो सब थीटा इज इक्वल टू, उससे ही करना है। अब ऐसा खींचा तो ऐसा 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 होते रहेगा, बस टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा दो इसमें और काम खत्म कर लो भाई, कुछ क्यों फर्क, क्यों कुछ करना ही नहीं तुमको, ठीक है, तो काम तुम्हारा खत्म हो गया। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थ्री हो गया। चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, और एडवांस वाले लोग की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके, सॉल्व करने का कोशिश कर लो खुद से, ठीक है। ठीक है, अब सुनो सब लोग, अब सब लोग सुनो, ये नीट वाले हो या कोई भी हो, एक चीज आपको सबको सुनना है यहां पर, ठीक है। अब यहां पे ना दो तीन टाइप के, अभी देखो ये टाइप के क्वेश्चंस क्लियर है। अब आपको पता है जब आप ग्रेविटेशन में जाते हो, ठीक है, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हो, या आप मैग्नेटिज्म में जाते हो, इसमें भी ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रो जाओ, ग्रेविटेशन जाओ या मैग्नेटिज्म जाओ, ठीक है। अब ग्रेविटेशन का थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको मैंने एक चीज बताई थी, मैंने एक ग्रेविटेशन में एक टनल मतलब टनल जो है वो डिक किया ऐसे, ये मेरा टनल है और ये मेरा सेंटर है, ठीक है। हाँ, ये एक क्वेश्चन एकदम कॉमन क्वेश्चन है, मास m, ए रेडियस r है, ठीक है। आपको पता है ये डिस्टेंस मैंने d दिया, ये डिस्टेंस d है, d डिस्टेंस से सेंटर से बेसिकली एक टनल को मैंने वो किया, और इसके अंदर मैंने एक मास को छोड़ा, इसके अंदर एक मैंने मास को छोड़ा। आपको पता है मास क्या करेगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, आपको पता है इसमें जो मास आएगा, ये मास क्या करेगा, ऐसे 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 करके क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस x मानना है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया इस क्वेश्चन को, एक मिनट गाइस सॉरी, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा मीन पोजिशन है, इसका पहले मीन पोजिशन ढूंढना, फाइंड आउट करना है, मीन पोजिशन ये है। आपको पता है क्या करना है, इसके ऊपर एक फोर्स आएगा कुछ इस तरीके से, जो फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी, जी एम एम डिवाइड बाय क्या, आर स्क्वायर, भाई ये आर स्क्वायर है ना, मतलब ये डिस्टेंस मैंने आर मान लिया, स्मॉल आर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप पता है इस क्वेश्चन को ना आप खुद से सॉल्व करो, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लो, सपोज मैंने एंगल थीटा लिया, ये वाला थीटा लिया, ठीक है, सोल्यूशन मेरे को मैसेज कर लो, मुझे इसके बोलना है कि इसका टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, इसका टाइम पीरियड, मतलब ये मास आगे पीछे जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कुछ नहीं यार, एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, ए इज इक्वल टू क्या लिखना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैंने आपको लिख दिया एक्स यहां पे है, तो सारे फोर्सेस भी इसी एक्सिस के अलोंग लेना है, सारे फोर्सेस इसी के एक्सिस के अलोंग लेना, एफ का कॉस थीटा कंपोनेंट, आर कॉस थीटा, आप खुद से करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सपोज ऐसा पकड़ लो, एक रिंग दिया हुआ है, तो इसमें रिंग के अंदर चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब इस एक्सिस के ऊपर मैंने क्या किया, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे एक छोटा सा माइनस क्यू चार्ज रखा है। अब इस माइनस क्यू चार्ज को मैं एक्स डिस्टेंस पे लेके गया, थोड़ा सा मैं इसको घुमा के यहां पे लेके गया और यहां से छोड़ दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पे ये ऐसे जाते रहेगा, ऐसे जाके क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, खींचेगा ना यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे क्या करेगा, ऐसे जंप करेगा, तो इसका भी टाइम पीरियड ढूंढना है, निकालो, सेम चीज यार, मतलब जो अभी मैंने बताया ना, सेम चीज। अब आपका मैकेनिक्स हो चुका है ना, बस अब फोर्स के इक्वेशंस यहाँ पे लिखने और काम खत्म करना है, ठीक है। इवन मैग्नेटिज्म में भी मैं आपको बोलता था, मैग्नेटिज्म में भी यहाँ पे क्या क्या होता था, पता है, ऐसे दो वायर होते थे, इनफाइनाइट वायर रखे हुए रहते हैं, ऐसे इनफाइनाइट वायर रखे हुए रहते हैं, देखो कैसे, मतलब देखो हर एक चीज जो होती है वो कैसे आती है, मतलब किस तरीके से आती है, सब यहाँ पे ये दो वायर है, में अंदर करंट है आई वन, इसके सेंटर में एक छोटा सा वायर, ये मतलब एक वायर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें करंट गया सपोज आई टू, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉरी ये I2 का डायरेक्शन अपोजिट कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, एग्जैक्टली एकदम बीच में रखा है। अब इस वायर को मैंने थोड़ा सा हिलाया और छोड़ दिया, पता है, इसको वायर को थोड़ा सा मैं हिलाता हूं और छोड़ देता हूं, तो पता है ये भी क्या करेगा, ऐसे जंप करेगा, तो इसका भी टाइम पीरियड पूछा हुआ है। तो लेकिन इसके लिए क्या है ना, आपको ये फटाफट ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट भी दिमाग में आने चाहिए,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इवन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में बायंस फोर्स तो होता ही है, एक ब्लॉक ऐसे लट, एक ब्लॉक पहले क्या है ऐसे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ऐसे, अब इस ब्लॉक को थोड़ा सा मैंने एक्स डायरेक्शन से, देखो ना, अब देखो ना मतलब ऐसा है, थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन से पुश किया और छोड़ दिया तो क्या करेगा, ऐसे जंप करेगा, तो इसका भी टाइम पीरियड निकालना होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर एक जगह पे, इवन ट्यूब, ट्यूब में ऐसा लिक्विड होते हैं, ऐसा करके ऐसा ऐसा कर लो, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अभी आपके पास ऋषि पांडे वगैरह तो है ही, ठीक है, ये सारे ऋषि पांडे से आपके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको ना अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बताए, आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो चलो, या फिर आप अलग अलग चैप्टर्स में जब जाओगे तो एसएचएम बेस्ड क्वेश्चंस होते जाएंगे, मॉडल्स में भी मैंने दिए हुए, राइट। कोई दिक्कत है इसमें, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क है गाइस, ये आपका काम है, जाके देख लो, पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन तो आपके सामने रहेगा ही रहेगा, उसके बाद सॉल्यूशन देख लो कि सही है कि नहीं है। तो ये हो गया मेरा एसएचएम का अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, राइट। अब हम जाते हैं एसएचएम का काइनेमेटिक्स, गाइस ध्यान में रखना ये लास्ट का पार्ट है, एसएचएम काइनेमेटिक्स ये सबके लिए, ठीक है, एसएचएम का काइनेमेटिक्स पार्ट, ये जो अपन ने पढ़ा ऊपर वाला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मतलब एफबीडी वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं एसएचएम का काइनेमेटिक्स पार्ट, गाइस एसएचएम का काइनेमेटिक्स पार्ट भी बहुत ईजी होता है, चाहे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्या होता है ध्यान से सुनो, ठीक है। एसएचएम के काइनेमेटिक्स पार्ट में पहली बात, कुछ कुछ चीजें आपको मैं दिमाग में मतलब आपको सबको पता ही होती है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने मुझे पता है कि जब हम लोग काइनेमेटिक्स के ग्राफ ड्रॉ करते थे तो काइनेमेटिक्स के ग्राफ के अंदर तीन ही टर्म होते थे, एक्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम, सॉरी चार टर्म, ठीक है, मतलब ये सारे जो टर्म्स है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी मेजर किया जाता है, राइट। अब मुझे बताओ किसी ने बोला इसके कितने इक्वेशन बन सकते, कितने इक्वेशन पॉसिबल है, एक्स वी वी ए ए टी मतलब दो दो, मतलब कोई भी दो लेंगे तो मैंने आपको बोला था कितने ग्राफ पॉसिबल होते हैं, एक्स टी वी टी ए टी, एक्स वर्सेस टी वी वर्सेस टी ए वर्सेस टी, फिर इसके बाद वी वर्सेस एक्स ए वर्सेस एक्स एंड ए वर्सेस वी, भाई इतने इतने इक्वेशंस पॉसिबल होते हैं, इतने इक्वेशंस पॉसिबल होते हैं, राइट, फोर सी टू, राइट, गुड। तो अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इतने सारे इक्वेशन मुझे निकालने, काम खत्म। मेरे पास सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे जो पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है वो कौन सा है, ए इज इक्वल टू कौन सा दिया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू एसएचएम के लिए, एसएचएम के लिए ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वेशन दिया है, तो मुझे ना ए वर्सेज एक्स का इक्वेशन ऑलरेडी पता है। देखो आपको पता है मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग इसको सॉल्व किया जाएगा, मैंने मतलब मैं सॉल्व करके मैंने दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको पता है इसको डीवी बाई डी टी की भी लिख सकते, अब इसको मैं आपको पता है मुझे ए एक्स है, अब थोड़ा सा आपको पता ही होगा भाई मुझे मुझे ये तीन इक्वेशन को यूज करना होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, आपको पता है मुझे ए एक्स से वी एक्स इक्वेशन मिल सकता है क्या, हाउ टू फाइंड ए एक्स से वी एक्स इक्वेशन, मैं अलग अलग मेथड बता रहा हूँ आपको, ए एक्स से वी एक्स कैसे मिलते हैं, आपको पता है ए एक्स से वी एक्स मिलने के लिए ए को क्या डाल दो, वी डी वी बाई क्या डाल दो, dx डाल दो, इंटीग्रेशन कर लो, आपका a v इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा डायरेक्ट, ax से vx भी डायरेक्टली मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको पता है, मुझे बताओ मुझे ax से, देखो ax से ये ax से डायरेक्टली a यूज कर लिया, अब इसमें मैंने पहले क्या कर लिया, देखो यहाँ पे मैंने एक की जगह dv बाई dt यूज कर लिया, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो v को मैं क्या डाल दूंगा, v को मैं क्या डाल दूंगा dx बाई dt, तो आपको पता है a डबल डेरिवेटिव है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसको डबल इंटीग्रेट करो, एक बार इंटीग्रेट करो फिर वापस दूसरे बार इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो आपको पता है इसको ऐसे डबल इंटीग्रेट करेंगे ना तो एक सोल्यूशन आता है, मैं वो सोल्यूशन डायरेक्टली दिखता हूँ, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म मिल गया, राइट, तो इसको ना डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करोगे तो ना आपको एक इक्वेशन आएगा, आपको पता है सबको इक्वेशन क्या होता है, मेरा इक्वेशन आता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ध्यान में रखना ये मेरा इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन है, और आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको मुझे तो x वर्सेस t का इक्वेशन मिला, x इन टर्म्स ऑफ t मिला, तो मुझे तो v कैसे मिलेगा, व्हाट इज हाउ टू फाइंड v, v क्या होता है dx by dt, अब ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइन आउट, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं, ये सब देखो यार ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है, मैं जब बता रहा हूँ इसका, और एक बार डिफरेंशिएट करो, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा,
डीवी बाई डी टी, इसको इस इक्वेशन को और एक बार डिफरेंशिएट करो, डीवी बाई डी टी करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। ठीक है, अब मुझे बताओ ये मिल गया एक्स टी वी टी ए टी, किसी को चेक करना है कि ये इक्वेशन इसको फॉलो करता है क्या, तो फॉलो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइन आउट को, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइन आउट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो ये जो चीज है यही तो मेरा क्या है, यही तो मेरा क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर x इक्वेशन है ऑलरेडी। तो बेसिकली दिस इक्वेशन फॉलोज दिस इक्वेशन, मतलब ये इसका सोल्यूशन है ऑलरेडी, राइट। इसके बाद अब जो इक्वेशन आया गाइस, ये जो इक्वेशन आए मेरे, ये इक्वेशन जो मेरे आए, अभी आपको ना याद रखना, अब इसको ना आपको याद रखना, अब मुझे एक बात बताओ इस इक्वेशन को डेरिवेटिव, अब ये तो क्या हो गया एक्स टी आ गया वी टी आ गया ए टी आ गया, कौन सा इक्वेशन बताया बताओ मुझे, एक्स भी आ गया वी एक्स बचा इन ए वी बचा, कैसे करोगे वी एक्स एंड ए वी, वी एक्स एंड ए वी कैसे करोगे भाई, याद करो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद है कि नहीं है, इज इक्वल टू वन, यहाँ पे ये साइन थीटा है ये कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी याद है, तो साइन स्क्वायर लेट्स से अल्फा लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक्स बाय ए चाहिए, तो एक्स बाय ए द होल स्क्वायर प्लस क्या वी बाय ए ओमेगा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, आ गया ना इक्वेशन आइडेंटिटी से, तो इससे वी आ गया, नहीं समझ में मैंने क्या लिखा है, ये साइन है ये चीज है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है दिस इज अल्फा एक्स बाय ए कॉस अल्फा की वैल्यू ये है, ठीक है इवन सपोज किसी को चाहिए वी और ए में, वी और ए में इक्वेशन चाहिए वी और ए में कैसे निकालेगी, वी और ए में इधर साइन अल्फा इधर कॉस अल्फा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय दिस एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय ए ओमेगा, खत्म बात, उसको स्क्वायर कर लो तो आ गया, आपको पता है ये कौन से इक्वेशन है सारे एलिप्स है, ठीक है मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ क्योंकि अपने को डायरेक्टली इक्वेशन याद रखने हैं, ठीक है तो आपको पता है यहां से वी की वैल्यू क्या आती है ओमेगा इंटू क्या आती है रूट ऑफ क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है कि नहीं है इक्वेशन प्लस माइनस, ठीक है और आपको पता है ये चीज इक्वेशन कौन सा है ये एलिप्स है, ठीक है तो ये एलिप्स हो गया है, अब मुझे ना सारे इक्वेशन आ गए, सिर्फ एवी का इक्वेशन मैं लिख नहीं रहा हूं यार, आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूं a डिवाइड बाय यहाँ पे देखो a ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे v डिवाइड बाय a ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हो जाएगा एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है मतलब किसका ये नॉर्मल नॉर्मल अपना ऐसे जब के सारे इक्वेशन मैंने लिख दिए छह के छह इक्वेशन लिख दिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भाई गाइस बाद में तुम स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, पता है आपको जब हम लोग जब कोई भी बॉडी जब कोई भी बॉडी SHM करती है तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे एक मीन पोजीशन होती है, ये होती है मीन पोजीशन, ठीक है जब बॉडी SHM करती है तो वो करती है एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन के ऐसे अंदर, राइट ऐसे ऐसे जिसमें इस चीज को हम लोग बोलते थे एम्पलीट्यूड, और कोई भी मास जो होता है कोई भी मास ऐसे घूमते रहता है ऐसे 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 घूमते रहता है, ठीक है अब ये जो मास है जो घूमते रहता है जिसमें आपने एक चीज बोला किसी ने बोला फाइंड वेलोसिटी मैक्सिमम, इस इक्वेशन को देख के मुझे बताओ फाइंड वेलोसिटी मैक्सिमम, व्हाट इज वेलोसिटी मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड ना ए ओमेगा भाई, वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी ए ओमेगा भाई, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वन है वन या माइनस वन, आई मतलब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ये प्लस माइनस ए ओमेगा मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है वो इधर या इधर, ठीक है तो मैं वी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए ओमेगा, मुझे बताओ इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को देखो एक्स की वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी गाइस, तो एक्स की वैल्यू जीरो मतलब ये ए ओमेगा, मुझे पता एक्स की वैल्यू जीरो कहां पे होती है मीन पोजिशन पे, तो मीन पोजिशन पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, ठीक है तो आपको आप ये इमेजिन भी कर सकते हो, और एक स्प्रिंग है एक स्प्रिंग को लगा है मास जा रहा है घूम रहा है तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है मिनिमम मतलब जीरो होती है, नॉर्मली रखा है तो जीरो हो जाती है वेलोसिटी यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है देखो ना यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू में ए डाल दूंगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए डाल दूंगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए डालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो,
तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है। आपको पता ही है क्योंकि एसएचएम है ना, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे चीज लिख देता हूं मैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरी मिनिमम, यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरी मैक्सिमम। सिमिलरली यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी मिनिमम, ठीक है। तो दोनों एक्सट्रीम पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी, अंदर मैक्सिमम हो जाएगी, और उसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। और मुझे होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन है कहां पे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कहां पे, ए मैक्स लिखता हूं मैं, ए ओमेगा स्क्वायर। मुझे होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होगा, ए मैक्स कहां पे होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे दोनों जगह पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, मैग्नीट्यूड ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान में एक और एक चीज रखनी है, आप लोग को पता है जब कोई भी चीज जब ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट करती है मतलब क्या पता है आपको, एनर्जी कंजर्व होता है। कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है क्या, नहीं है। तो ध्यान में रखना एसएचएम में कभी भी क्या चीज होती है, एसएचएम जब कोई भी बॉडी करती है ना, तो एसएचएम में कभी भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, विच इज मैकेनिकल एनर्जी एंड विच इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। वाई कॉन्स्टेंट, बिकॉज देर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन द बॉडी, सो एनर्जी कंजर्व होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये सारे के ऊपर ना क्वेश्चन गाइस बनते हैं, ये जो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा है ना गाइस, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वेदर वो जेईई हो या नीट हो, डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो आपको पता है कि मैंने लेक्चर में पढ़ा है कि जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यही ओमेगा कहां पे आता है, सर्कुलर मोशन में क्या बन के आता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल भी ओमेगा है, ये भी सिंबल ओमेगा है क्यू, ठीक है। आपको पता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मैं एक छोटा सा एनर्जी का भी इक्वेशन एक्सप्रेशन लिख ही देता हूं, सॉरी, एक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख देता हूं। मुझे पता है एनर्जी कितनी होती है, किसी ने बोला कि मतलब मैं यहां पे लिखता हूं एनर्जी का, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। किसी ने बोला कि इसकी एनर्जी कितनी होगी कोई भी डिस्टेंस पे, जैसे ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे है, और ये ब्लॉक कुछ मास m यहां पे है। आपको पता है, आपको मैं एक बार बताऊं, कोई मास m यहां पे जो डिस्टेंस x पे है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। मैं आपको एक प्रूव करके दिखाता हूं। लेट्स से ये ब्लॉक ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जब ये ब्लॉक ना यहां पे रहेगा कहां पे, एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पे मुझे बताओ एक्सट्रीम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करने गए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको स्प्रिंग पकड़ लो, स्प्रिंग, तो मुझे बताओ स्प्रिंग है तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना है ए, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर ना, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। और कोई दिक्कत है क्या इसमें, यही तो है, ठीक है। और तुम लोग को पता है, तुम लोग को पता है यहां पे F is equal to ma में जब लगाता हूं तो F is equal to ma लगाता हूं तो A is equal to क्या हो जाएगा, K by m into x हो जाएगा। तो K by m की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं हमेशा, K by m की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर ना, इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां पे K को हम लोग क्या लिखा जा सकता है, K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m into ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल एनर्जी पकड़ेंगे तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होगा। कोई दिक्कत है क्या, मीन पोजीशन, अभी मीन पोजीशन पे देखते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम पे तो हो गया, अब मीन पोजीशन पे देखते हैं। अब मीन पोजीशन पे मुझे होता है एनर्जी क्या होगी बताओ, मीन पोजीशन पे किसकी क्या एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू क्या, एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अपन लिखेंगे तो यहाँ पे हाफ इंटू एम इंटू
वी मैक्स की वैल्यू कितनी लिखी थी अपन ने भाई, वी मैक्स की वैल्यू ए इंटू ओमेगा लिखी थी। वी मैक्स क्या होता है, ए इंटू ओमेगा होता है, तो इसको ए इंटू ओमेगा कर लो, यहाँ पे वी मैक्स को ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। देखो सेम ही आया ना यार, ये भी सेम। अब इवन कोई भी पॉइंट पे अपन लिखेंगे, इधर भी तो सेम ही आएगी, यहाँ पे भी टोटल गारंटी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगी मेरी टोटल एनर्जी, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। और वो किसके बराबर होगी, ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, पता है आपको। इसको आपको इवन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी के जगह आपको पता है ना, वी स्क्वायर, वी का एक फॉर्मूला अपना दिया था, याद है ना ये चीज, स्क्वायर कर लो इसको, डायरेक्टली सब कुछ कट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लो, इसमें डाल दो, ये जो फॉर्मूला है इसको इसमें डाल दो वी स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर को डाल दो। आपको बताया यहाँ पे, अब के जगह अपन क्या डालते हैं, के जगह क्या डालते हैं, यहाँ पे एम इंटू क्या डालते हैं, ओमेगा स्क्वायर डाल दो, सब कुछ एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, और इसमें क्या बचता है, फाइनली इसमें क्या बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ध्यान में रखना ना, दिख रहा है ना अपने को, अपने यहाँ पे काइनेटिक प्रोजेक्ट क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है, काम खत्म, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो, ये पूरा का पूरा का स्क्रीनशॉट लिख लो चाहिए तो, ठीक है। एकदम लास्ट का पार्ट बचा है गाइस, 15 से 20 मिनट का पार्ट बचा है लास्ट का, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, फेजर मेथड, ठीक है, जो मैं फेजर मेथड बताया था एसी सर्किट्स में, ठीक है, सब जगह पे काम में आता है, और यही है मतलब, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, मेथड सेम है, बस आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपका। अब यहां पे जो बचा हुआ चीज है ये है मेरा फेजर मेथड, ठीक है। अब फेजर मेथड या वेक्टर मेथड, कुछ लोग फेजर मेथड बोलते हैं, कुछ लोग वेक्टर मेथड बोलते हैं, जो भी है, क्या है मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है। अब आपको पहले तो एक काम करना है, जब मैं इक्वेशन ऐसा लिखता हूं ना, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ये जब मैं लिखता हूं तो यहां पे ना कुछ कुछ चीजें है, इस जैसे कि इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है, ये फाइ नॉट जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। ए को तो आपको पता है एम्पलीट्यूड होता है। अब ये जो इक्वेशन आप देखोगे ना, अच्छे से इक्वेशन को देखोगे, ठीक है, चलो मैं इसको y ले लेता हूं, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन आउट करके कुछ है, राइट, इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पे एकदम सिंपल सी बात है, ये क्या है मैं आपको बताता हूं, y इज कॉल्ड फेजर। तो मैं क्या करूंगा ना, कभी भी मेरी ट्रिग्नोमेट्री होती है ना यार, ट्रिग्नोमेट्री ना मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट जाती है, या आपका अच्छा खासा मैथ्स होना चाहिए तो ये आपको फास्ट जाएगा। उससे अच्छा क्या करते हैं ना, वेक्टर्स अपन ने अच्छे से पढ़े हुए यार, अपने को पता है वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन का सब कुछ अपने को पता है, तो अपन क्या करते हैं ना यार, ट्रिग्नोमेट्री को निकालने के लिए ना अपन वेक्टर्स में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब क्या करेंगे अपन, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ये जो दिया है, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, इसका मतलब होता है कि ये बेसिकली मेरा एक फेजर है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, मतलब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, ठीक है, और ये जो एंगल है फाइ नॉट है। फाइ नॉट का मतलब है कि ये टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था वेक्टर, और ये वेक्टर को मैं घुमाऊंगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, कितने से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूं मैं, तो मुझे तो टाइम t में कितना एंगल जाएगा, वो टाइम t में कहीं ना कहीं तो यहाँ पे जाएगा, जैसे टाइम t में गया यहाँ पे, ये मेरा वेक्टर जो है यहाँ पे गया, ये टाइम t में गया, टाइम t में जो एंगल उसने रोटेट किया उस एंगल को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिसे कलर से लिखता हूं चाहिए, तो ये एंगल रोटेट किया उसने ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा टी रोटेट कर दिया। तो अब मुझे बताओ यहां से टोटल एंगल कितना आया, फाइ नॉट प्लस ओमेगा टी, और इसका एम्पलीट्यूड ए है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अब इसका इसका साइन कंपोनेंट, अब मुझे बताओ ये एम्पलीट्यूड ए है, ये फाइ है, तो ये होता है ये वाला होता है कॉस कंपोनेंट, ये वाला होता है साइन कंपोनेंट। तो अब ये जो मेरे को एक्सप्रेशन दिख रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, तो मैं इसका जो y कंपोनेंट निकालूंगा तो यहाँ पे एक पार्टिकल आएगा, ठीक है, इसका एक पॉइंट है, और आपको पता है ये जो चीज है ना, इसका जो ये डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है, a इंटू क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट है,
समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो कि मतलब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है, देखो ये वेक्टर जो है ऐसे 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 सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो ये पूरा का पूरा, ये जो मतलब सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये रोटेट कर रहा है, तो ये जो मेरा मतलब वेक्टर है उसका मेरा जो वाई कंपोनेंट है वो देखो कहाँ पे जा रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ पे था, मतलब ये पार्टिकल क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको पार्टिकल की बोल सकता हूँ, इसको वेक्टर ही बोल सकता हूँ, जब वेक्टर मेरा यहाँ पे था तो इसका वाई कंपोनेंट कहाँ पे था, इधर था देखो, तो जब ये पार्टिकल अभी जब ये वेक्टर घूमने चालू हो गया, इधर तुम वेक्टर को घुमाओ या फिर ऐसा बोल सकते हो ये जो पार्टिकल है ना जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको भी घुमाओ, कोई भी बोल सकते, ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो ये जो मेरा वाई कंपोनेंट है कहाँ पे जाएगा, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, जब ये ऐसे आएगा तब ये वापस नीचे आएगा, तो मेरा जो वाई कंपोनेंट है वो कहाँ पे जा रहा है, मेरा वाई कंपोनेंट जो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, देखो समझ में आ रहा है, तो बेसिकली ऐसे ऐसे घूमने को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऐसे हम बोलते हैं, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे दो चीज दिख रही है आपको, सर्क्यूलर मोशन दिख रहा है एक पार्टिकल का और एक ऐसे दिख रहा है अलॉन्ग कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, तो बेसिकली मैंने सर्क्यूलर मोशन के कंसेप्ट को किसके साथ जोड़ दिया, एसएचएम के साथ, ठीक है, तो इसीलिए सर्क्यूलर मोशन का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है या अपन इवन रोटेशन का, इस वेक्टर के रोटेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो सर्क्यूलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी मैचेस विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है, सर्क्यूलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी इट मैचेस विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम जो ऊपर नीचे जा रहा है, खत्म बात, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना यार, मेरा पूरा एसएचएम को मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, मेरे पूरे एसएचएम को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं सर्कुलर मोशन में, कैसे मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये दोनों चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं ओवरलैप ऑफ एसएचएम्स, मतलब वन और मोर एसएचएम्स हो रहा है तो क्या होगा, उसके भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, और दूसरे आते हैं टाइम पीरियड ढूंढना, वो वाला टाइम पीरियड नहीं, 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के या 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, वो वाला टाइम पीरियड नहीं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो मैं लेने के लिए मतलब जूम आउट करूंगा ना मैं इसको, मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन के साथ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये मास एम है, अब ये मास एम है, सपोज यहाँ पे ऐसे ये मेरा हो गया मीन पोजिशन और ये हो गया मेरा एक्सट्रीम पोजिशन, तो ये हो गया मीन और ये हो गया एक्सट्रीम, नहीं, तो अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, ठीक है, ये मेरा मास, अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखो मेरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, पकड़ लो मास ने एम घूम रहा है, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, अभी जब घूम रहा है तो मतलब ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये लेट से मैंने यहां पे बोला कि इसका एम्पलीट्यूड ये ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ये एक्सट्रीम पोजिशन मीन पोजिशन है, अब मेरे को क्या बोला है कि अब यहां से निकला ये मेरा इसका इनिशियल पोजिशन था और ये मास आया इधर और ये हो गया मेरा फाइनल पोजिशन, और ये वेलोसिटी वी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है टूवर्ड्स एक्सट्रीम जा रहा है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस दिया है, ये दिया है मैंने ए बाई टू, तो बोला है कि भाई कितना टाइम लगेगा यहां से यहां पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये थ्रू आउट मोशन ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, क्या बोला है टोटल टाइम पीरियड ऐसा दिया है, टोटल टाइम पीरियड टी है, मतलब टोटल टाइम इज टी, टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम इज टी, तो मुझे बोला है कि यहां से निकलेगा और यहां पे आने के लिए ए बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मुझे होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा तरीका कौन सा है, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला था, दूसरा वाला तरीका कौन सा है, डायरेक्टली ये अपना फेजर मेथड, तो अपन फेजर मेथड से सॉल्व करेंगे, अब मैं इसको कैसे मैप करता हूं, मैंने मतलब आपने मेरे वीडियो से देखी होंगे, इवन अपना क्लास तो हो ही चुका है, तो मैं एकदम ज्यादा वो तो नहीं बताऊंगा, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे देखो, मैं फेजर को ड्रॉ करूंगा पहले, अब ऐसा पकड़ लो यार मीन पोजिशन पे, मीन पोजिशन में मतलब मेरा ब्लॉक, देखो ये जो ब्लॉक घूम रहा है ना ऐसे ऐसे जो घूम रहा है वो वाई एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसा पकड़ लो, तो अब वो पहले कहां पे था, इनिशियली यहां पे था ब्लॉक, इसका मतलब मेरा फेजर कहां पे होगा, इधर होगा, तो ये मेरा इनिशियल फेजर, ठीक है, अब ये ब्लॉक गया ए बाई टू ऊपर, तो कितना डिस्टेंस गया, जैसे मैं लिख देता हूं, मेरा ब्लॉक गया ए बाई टू, मेरा फाइनल पोजिशन ब्लॉक का इधर है ए बाई टू ऊपर, ठीक है, मेरा जो ए बाई टू ऊपर गया, तो अब मुझे तो मेरा फेजर कहां कहां पे हो सकता है, मेरे फेजर की पोजिशन बताओ कहां कहां पे होगा, मेरा फेजर इधर भी हो सकता है और मेरा फेजर इधर भी हो सकता है,
क्योंकि मेरा जो फेजर या वेक्टर है उसका ही तो वाई कंपोनेंट ये है ना, इधर भी होता है इधर भी हो सकता है, कहां पे होगा? इधर पोजीशन नंबर वन पे, पोजीशन नंबर टू पे, कहां पे होगा बताओ मुझे? वन पे, क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना इसकी वेलोसिटी कहां पे है, टूवर्ड्स एक्सट्रीम है, इसका मतलब ये मीन से दूर जा रहा है। देखो ये वाला फेजर जो है, ये वाला जब ऐसा मूव करेगा तो ये ऊपर और जाएगा, ऊपर और जाएगा तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये इधर जाएगा, मतलब टूवर्ड्स कहां पे जा रहा है, एक्सट्रीम पे जा रहा है, टूवर्ड्स एक्सट्रीम पे जा रहा है। जब यहां पे रहेगा, यहां पे जब ऐसे घूम रहा, घूम तो ऐसे ही रहा है, घूम तो ऐसे ही रहा है, ठीक है, जब वो यहां पे आएगा तो जब नीचे जाएगा तो ये जो पोजीशन है कहां पे जाएगी, नीचे जाएगी। तो ये वेलोसिटी मैटर करती है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वेलोसिटी का डायरेक्शन टूवर्ड्स एक्सट्रीम है, इसके वजह से यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, इधर रहेगा। तो अब मुझे बताओ ये a बाई टू डिस्टेंस दिया हुआ है, ये मेरा a है, तो कितना एंगल घूमेगा, ये कितना एंगल घूमेगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना, पाई बाय 6 रेडियंस में, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक चीज याद रखने को बोली थी, टोटल घूमने के लिए, अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी से, आपको पता है पूरा का पूरा फेजर घूमने को टाइम कितना लगता है, टी, तो 2 पाई एंगल कवर करने को टाइम टी लगता है, तो बोला है पाई बाई 6 एंगल कवर करने को कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, खत्म, यूनिटरी मेथड बराबर, तो टी वन की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टी बाई 12, काम खत्म हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत है क्या इसमें भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कोई दिक्कत है क्या? ये तो अपन ने कर चुके हैं यार, मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं अपन, ठीक है। मैं एग्जांपल टू भी देता हूँ, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेम मीन पोजीशन, ये हो गई मेरी मीन पोजीशन, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो लेफ्ट एंड राइट, तो मैं पकड़ता हूं, ये मेरा है मास, ये मेरा इनिशियल पोजीशन में है, घूम रहा है वो, ये एक्सट्रीम है, ये दोनों एक्सट्रीम है, ये अपना घूम रहा था। अब ये जो डिस्टेंस था वो दिया था a बाई रूट टू, इधर मतलब मैं माइनस ए बाई रूट टू लिखता हूँ, मतलब इधर था वो, मतलब यहां से लेफ्ट साइड, मतलब मैं ए बाई रूट टू था, वो घूम के आ गया यहाँ पे ए बाई टू पे, फाइनल यहाँ पे आ गया, जो कि आ गया ए बाई टू पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं वेलोसिटी लिखता हूँ यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ही थी, तो अब मुझे बताओ इसको मैं वेक्टर में निकालने गया, मैं ड्रॉ करने गया, तो कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, एकदम लास्ट का पार्ट है, अभी लास्ट के 5 मिनट में खत्म हो जाएगा गाइस, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब मेरा x एक्सिस है, मेरा y एक्सिस है, बराबर, मैंने पहले अपना वो ड्रॉ कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियली a बाई रूट टू पे था, नीचे था, तो मुझे बताओ फेजर कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा इसमें, फेजर कौन से क्वाड्रेंट में, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी टूवर्ड्स कहाँ पे, मीन है, तो यहाँ पे मेरा जो पहला फेजर था वो इस डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, क्यों? देखो मैं पहले मेरी ब्लॉक की यहाँ पे पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे a बाई रूट टू पे था और यहाँ पे a बाई टू पे है, काम खत्म, मेरा इनिशियल फाइनल कर लिया मैंने। अब मेरे फेजर कहाँ पे, मैं फेजर जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो डायरेक्ट फेजर है क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर उसके लिए, तो मेरा फेजर इनिशियली यहाँ पे था। अब ये जब यहाँ पे जाएगा a बाई टू, टूवर्ड्स कहाँ पे जा रहा है, एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो मेरा फेजर यहाँ पे रहेगा, ये फाइनल, बिल्कुल, तो आपने सही बोला सब लोगों ने। तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मुझे बताओ एंगल कितना हुआ, 45 प्लस 30 कितना हुआ, 75 डिग्री, खत्म बात, मेरा आंसर आ गया भाई। 75 डिग्री के लिए टाइम टी मुझे निकालना है, टी वन, 360 के लिए मेरा टाइम है टी नॉट, तो 75 के लिए कितना, काम खत्म हो गया तुम्हारा, बस, ठीक है। आइडिया उसको पाई में कन्वर्ट करो या नहीं करो, जो भी है आपका दिमाग, मतलब वो आपका काम है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मेरा एसजीएम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब एकदम लास्ट का पार्ट गाइज, एकदम लास्ट का पार्ट, इसको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और फटाफट ये सारे वीडियोस को ना देख लो, ठीक है। आज के आज ही एसजीएम ना मेरा, इवन यूट्यूब वाला वीडियोस भी खत्म कर लो, आज इसका मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, इसको भी खत्म कर लो, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके, यूट्यूब का हो गया, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक मिनट, लास्ट का पार्ट मेरे को कुछ बताना था, मेरे दिमाग में था, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन वाला ही पार्ट था वो, जो पार्ट है वो, कोई तो पार्ट था यार, मैं मतलब मेरे दिमाग से अभी निकल गया वो, जो मैं बोल रहा था कि लास्ट का पार्ट एक करना है। देख मतलब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और
सुपरपोज राइट, सुपर इम्पोज राइट, गुड गुड गुड, ठीक है। अब कैसे होता है गाइस, कैसा होता है, x इज इक्वल टू मैंने बोला कि लेट्स से मेरा ये दो मतलब ऐसा हो सकता है, देखो SHM में क्या होता है ना, कभी कभी ना सुपर पोजिशन ऑफ SHM आते हैं, मतलब दो से तीन SHM सपोज मिलके सपोज कोई SHM बना रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैंने मतलब एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला कि भाई ए साइन है एक ओमेगा टी, ठीक है, एक दूसरा SHM आ गया जो आ गया 2a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस लेट्स से पाई बाय 2, ठीक है, तो अब मुझे बोला है कि भाई अब ये ऐसा जो SHM देखो ये दो तरीके से बना हुआ है, अब सिंपल यार, ये अपन ने अभी AC सर्किट पढ़ा हुआ है ना, तो डायरेक्टली आ जाएगा, फेजर मेथड से कर दो यार, मैंने बोला इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है, ये मुझे पूछा हुआ है, क्या करोगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं भाई, ए साइन ओमेगा टी को मैं कहां पे ड्रॉ करता हूं, चलो यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये मैंने एक फेजर ड्रॉ किया, ऐसा एक फेजर है जो घूम रहा है ऐसे, दोनों ओमेगा से घूम रहे, देखो दोनों ओमेगा से घूम रहे, मैंने इसको ए से ड्रॉ किया ऐसे, अब मुझे दूसरा फेजर कहां पे, दूसरा फेजर कहां पे होगा भाई, दूसरा फेजर जो होगा वो कितना आगे होगा, ये एम्पलीट्यूड 2a है और एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, काम खत्म, आपको पता है ये दोनों फेजर घूम रहे होंगे मतलब क्या, दोनों ऐसे घूम रहे होंगे, लेकिन कभी भी थ्रू आउट मोशन इसका कभी पोजीशन चेंज होगा क्या, 90 कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, खत्म बात, तो ये a हो गया, ये 2a हो गया, इसका रिजल्टेंट जो होगा यही मेरा होगा, खत्म बात, तो मेरा ये जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो रूट 5 इंटू a, ठीक है, और मुझे बता ये एंगल मैंने लिखा अल्फा, ठीक है, यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 2a by a, मतलब 2 हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ 2, तो आपको पता है इस इक्वेशन को पूरा का पूरा मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा रूट 5a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, नहीं सॉरी, हाँ बराबर, tan इनवर्स ऑफ 2, समझ में आया, ये हो जाएगा मेरा x, ये मैंने क्या लिखा है, समझ में आया, कुछ नहीं यार, मैंने मतलब ये सारी चीजें मैंने इस सर्किट में भी कराई थी और इवन मेरे वीडियोस में भी मैंने दी हुई है, ठीक है, अब तुम लोग को एक चीज से बताता हूं मैं, एक चीज अपना फाइनली रह जाता है, ठीक है, जो होता है ना सुपरपोज ऑफ, मतलब ये सुपरपोजिशन ऑफ SHM है, लेकिन यहाँ पे ना और एक चीज होती है, कभी कभी क्या होता है पता गाइस, ऐसा पकड़ लो एक ये जो मास एम है ना, ये अलोंग एक्स एक्सिस में ऐसे 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 घूम रहा होता है, ठीक है, कभी कभी क्या हो जाएगा, इसी ये कोई ना कोई एक फोर्स की वजह से होगा, जैसे फोर्स लिया मैंने F1, अब यही मास ना अलोंग वाई एक्सिस भी कहीं ना कहीं फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से सपोज घूम रहा है, अब वैसा वाला फोर्स इसके ऊपर आ गया, ठीक है, मैंने बोला F1 उसको घुमाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अब मैंने एक फोर्स दिया F2 जो उसको घुमाएगा अलोंग वाई एक्सिस, SHM करवाएगा, और ये दोनों फोर्सेस एक साथ सपोज उसके ऊपर लगते हैं, तो ना ये एक्स एक्सिस के ऊपर घूमेगा ना ये वाई एक्सिस के ऊपर घूमेगा, तो कहीं ना कहीं तो ये घूमेगा, राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ SHMs, मतलब दो तीन SHM मिलके सपोज हुआ तो क्या होगा, ठीक है गाइस, अब इसमें क्या होता है पता है, इसमें मैं एक्स एंड वाई एक्सिस की ये बात करता हूं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो मैं इक्वेशन लिखता हूं ए साइन ओमेगा टी, और सपोज वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो मैं यहां पर लिखता हूं, अब यहां पर मैंने एक्स की जगह यहां पर A1 साइन ओमेगा टी लिखता हूं, अब ये सपोज अलोंग वाई एक्सिस वाला फोर्स उसको घुमाएगा लेट्स से A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, आपको पता है ये दोनों SHM सब साथ में होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड 5, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड 5 अपने को ना अलग 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 टाइप के फिगर्स मिलते हैं, फिगर्स मतलब क्या, आपको पता है मैं यहाँ पे केस 1 लेता हूं, मैंने बोला था यहाँ पे और उसको मैंने एक नाम दिया था, उसका स्पेलिंग अभी मेरे को देखना पड़ेगा, लेसेजस फिगर्स अपने इसमें नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं लेसेजस फिगर्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेसेजस फिगर्स, अब ये होता क्या है वो छोड़ो, मैं स्पेलिंग नहीं लिखता, लिखता हूं 5 = 0 कर दिया मैंने, पहली केस 1 5 = 0 कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, एक फोर्स है F1 जो उसको क्या दे रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस दे रहा है SHM, एक फोर्स है F2 मतलब रिजल्ट मतलब सम रिस्टोरिंग फोर्स जो मुझे अलॉन्ग वाई एक्सिस उसको दे रहा है SHM, अब दोनों फोर्स साथ में होंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से, ये सपोज F1 के वजह से था, ये फोर्स F2 के वजह से था, अब F1 F2 दोनों साथ में है तो किस तरीके से दिखेगा, तो उसकी केस ले रहा हूं मैं, F5 = 0 कर दो तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लोकस क्या आएगा, x बाय A1
वाई बाई ए टू, तो कौन सा इक्वेशन बना यार, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बना, तो स्ट्रेट लाइन बना, तो कैसे घूमेगा वो, स्ट्रेट लाइन में घूमेगा, काम खत्म। केस टू देखो, केस टू देखो, यहाँ पे सपोज फाई की वैल्यू पाई बाई टू हुई, मतलब फाई की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हुई, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या आएगा, ए वन साइन ओमेगा टी, यहाँ पे एक वाई क्या आएगा, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स बाई ए वन कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, वाई बाई ए टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स बाई ए वन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलिप्स आ जाएगा, तो इस केस में क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, ठीक है, ये एलिप्स बन गया। अब फाइव इज इक्वल टू पाई बाई फोर है, तो आप निकालो भाई, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो वो जो फिगर बनेगी वो लेसेजस फिगर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और कभी कभी अलॉन्ग एक्स एंड वाई भी नहीं रहेगा, कभी कभी ये क्या रहेगा, कोई अलॉन्ग एक्स पे जा रहा है, कोई कुछ 45 डिग्री पे जा रहा है, तो आपको ना ये मैथमेटिकल हो गए, एडवांस वाले क्वेश्चन हो गए, लेकिन आजकल वो मतलब ज्यादा पूछते नहीं है, ठीक है, मैंने कभी देखा नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे ए वन इक्वल टू ए टू होता है तो सर्कल बनेगा, एलिप्स क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है, इफ ए वन इज इक्वल टू ए टू, तो ये सर्कल बन जाता है। तो गाइस ये मैंने लास्ट का पार्ट जो था ये बताया, ठीक है, ये पता होना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये ज्यादा पता होना इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने ऊपर वाला किया है ना, और जो इवन जिसका एप्लीकेशन अपन ने एसी सर्किट में बहुत अच्छे से किया था, राइट, तो इससे होता है अपना एसएचएम खत्म गाइस। तो अपना जिनको भी अपना अभी गणपति का वगैरह सब कुछ है, ठीक है, वो आप कर लो। एक लास्ट का चीज, यस बिल्कुल, टॉर्शनल पेंडुलम। अब टॉर्शनल पेंडुलम में भी क्या होता है पता है, यहाँ पे टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है, एक ऐसे ऐसी चीज होती है उसकी लटकी हुई रहती है, ठीक है। टॉर्शनल मतलब क्या होता है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें आपको पता है अपन ने ना इस ऐसा इसको ऐसा घुमाया घुमाया तो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, टॉर्शनल, ठीक है, टॉर्शनल होता है जितना अपन घुमाएंगे उसके ऊपर, तो टॉर्शनल इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो ये होता है, और ये जो सी होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इससे इस क्वेश्चन को ना इससे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो भाई बस इसमें कुछ नहीं है, टॉर्क निकालना होता है, थीटा का प्रोपोर्शनल होता है, आपका काम खत्म हो जाता है, राइट। तो ये टॉर्शनल कॉन्स्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट अपन ने सब कुछ कर लिया, सिर्फ एनर्जी मेथड मैंने नहीं किया, एनर्जी मेथड आप मेरे वीडियो से देख लो यूट्यूब पे, जरूरत नहीं है उसकी वैसे, ठीक है, वो सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा। एक हाथ एडवांस का क्वेश्चन में जब कराऊंगा रोटेशनल के साथ, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं, इतना ही आज काम खत्म। हाँ सिर्फ ये दिखाना था मुझे, ये दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे देख लो गाइस, कुछ चीज दिखा रहा हूं मैं, ये अपना बोर्ड लग गया है, ठीक है, उसके ऊपर अपना वेबसाइट भी है, और अभी पूरा का पूरा मतलब ये सब कुछ सेटअप रेडी हो जाएगा, अभी गाइस रेडी हो जाएगा, मतलब सारे लाइटिंग वगैरह अपने को करनी है, कैमरा वगैरह भी आज आएगा, तो मुझे लगता है 4 से 5 दिन में मुझे लगता है सेटअप पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन, बाय बाय, ठीक है। एक्स्ट्रा रूम है तो हमको भी बोला भाई, कोरोना लेके जाओगे अभी घूमो मत, घर पे रहो, बाय गाइस, बाय बाय। ये सब घर में ही है, सब घर में ही है, ठीक है, चलो बाय कर लो, दिखाया।